जनरली जो मेरा टॉपिक है टेक्स 2 आवर्स, बट वी विल एज पर योर शेड्यूल आई हैव 1 आवर ओनली टू कंप्लीट इट. सो वी विल हरिडली गो थ्रू कि जो पर्सनल स्किल्स है की एंड इन इम्प्रूव कितना करनी है. एंड बच्चे आई वॉन्ट इंट्रेक्शन फ्रॉम योर साइड, अदरवाइज आई हैव सम आइडियाज हाउ टू इंट्रेक्ट विद यू. एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, बच्चे. Please, बिच-बिच कुछ-कुछ बोल दे रहा हूँ. मैं थोड़ा लगेगा कि हाँ नाल ना कुछ चल रहा है. Otherwise, literally, जितना 2 दिन तो अपने resource person कह रहे हैं कि it's same like talking to a wall. समझ ही नहीं आ रही सामने कोई बैठा है नहीं बैठा. ठीक है. So we will talk about interpersonal skills. तो बच्चे सब तो पहला कि अपना content सी जो that was a personality development. है ना. हम पर्सनैलिटी जिदा आप कल अवनीत मैम डिस्कस कर रहे थे पर्सनैलिटी का. आप पहले दिन आप डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी कॉम्बीनेशन ऑफ आउटसाइड एंड वर्ड्स इनसाइड है ना. बट जिदा कल अवनीत मैम ने कहा कि साढ़े को देखो मैं थोड़ा सब पूछा तो आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज मैक्सीम रिस्पोंस मैं चैटबॉक्स इदा आ रहे थे कि मैम इट्स इनसाइड. मतलब तुम सब ऑलरेडी समझ रहे हो कि पर्सनैलिटी जो थोड़ा जो इनसाइड है उस चीज में रिफ्लैक्ट होंगी है. बट स्टिल वट वेयर वी आर फोकसिंग है ना. रोज असं किस चीज से फोकस कर रहे हैं दैट इज आर आउटर आउटलुक. नो डाउट इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. इट्स सुपरली इम्पॉर्टेंट. एवरीबडी टेक केयर ऑफ आउटर आउटलुक. इवन आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई आउटर पर्सनैलिटी. बट वी शुड स्पेंड सम टाइम ऑन आर इनर सेल्फ ऑल्सो है ना. तब वी वर डिस्कसिंग अबाउट दोज लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट पहला That was entirely on personality assessment. कि थोड़ा आइडिया हो जाए कि साड़ी पर्सनैलिटी टाइप किदां दी है. बिकॉज कई बार ऐदा की पर्सनैलिटी होंगी तो मैंने कोई कहे कि मैम तुम बहुत डोमीनेटिंग हो तो अपन जनरली एक डोमीनेटिंग वर्ड असं बड़ा नैगेटिव लैके चलते हैं. मैं लगेगा अच्छा मैं तो कदे नहीं लग्या. और आई विल से बैड वर्ड फॉर दैट परसन. यार कितना अजीब है. मैनू कह रहा है कोई कि मैं डोमीनेटिंग है ना. तो मैं 2-4 बुरे शब्द बोलूंगी ऐदा ऐदा कि मेरे बारे ऐदा बोलिया इन्नी हिम्मत ऐदा किदा मैंने कुछ कहा. दैट इज क्योंकि असं अंडरस्टैंड नहीं करते अपने आप नूं. जे अज मैनूं पता चलेगा मेरी परसनैलिटी तो कि यस आई एम ऑफ डोमीनेटिंग काइंड ऑफ परसनैलिटी तो हर सिचुएशन नूं हैंडल करते टाइम डील करते टाइम मैनूं ध्यान रहेगा कि मेरी परसनैलिटी इदा दी है. सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट. ठीक है. तब फर्स्ट डे वॉज इंटायरली ऑन परसनैलिटी असैसमेंट. सैकेंड डे वी कवर्ड लाइक माइंडफुल लिविंग और एटीट्यूड. हम देखो एटीट्यूड माइंडफुल लिविंग से लगे कि हाँ बड़ा अच्छा है ये चीज. तो मैं उस चीज में जिदा पर्सनैलिटी जो आप पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए तो देखो देर इज अ वन परसन हु इज ऑलवेज स्माइलिंग अराउंड यू है ना. हमेशा उसके फेस से स्माइल है. ही लव्स टू टॉक टू अदर पीपल. गल्ला कर रहा है परसन है ना. तो तुम देखो कितना अच्छा लगेगा कि हाँ हाँ ठीक है ये को खड़ते हैं. लाइक इफ आई एम ऑलवेज स्माइलिंग आई एम ऑलवेज वेयरिंग अ स्माइल ऑन माई फेस है ना. तो लगेगा कि हाँ हाँ यार मैम को खड़ते हैं गल करते हैं कोई जहाँ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. और सेकेंड साइड देखो मैं हमेशा एक रोंदू जी शक्ल बना के हमेशा इदा ही बैठी है खड़ी है. तुम मेरे को आते हो तो मैं डेली अपनी एक नवी प्रॉब्लम नवा इशू थोड़े ना लैके बह जानी. मेरे नाल ऐदा होया अज ऐदा होया बड़ा बुरा होया मेरी फैमिली च ऐदा होया. तो 3-4 दिन बाद तुहाडा रिएक्शन की होएगा यार ये तो साइड हो जाओ इन्हें रोंद ही रहना फिर कुछ नवी प्रॉब्लम लेके बैठेगी है ना. तो दिस इज द अगेन माइंडफुल लिविंग एंड एटीट्यूड वेयर वी फॉल्स. तो मेरा टॉपिक सिर्फ उस मेरा इंक्लूड करन दा ओ सी कि इन्हां चीजां नूं सानूं थोड़ी अवेयरनेस होए क्योंकि अज भी जो मेरा टॉपिक है मैं कवर करना है दैट इज इंटरपर्सनल स्किल्स. तो इंटरपर्सनल स्किल्स विच भी बच्चे बहुत कुछ आंदा है. इंटरपर्सनल बेसिकली जे मैं तुहानू पुछां तां मैनू कोई दस सकदा कि इंटरपर्सनल हुंदा की है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इंटरपर्सनल. एनीवन बच्चे यू कैन यूज योर चैट बॉक्स आल्सो. एनीवन हरिडली अपने को बहुत थोड़ा टाइम है. देयर इज ओनली 1 आवर बिकॉज जो 15 मिनट्स था ना दैट 15 मिनट इज फॉर सम सरप्राइजिंग एक्टिविटीज Between 2 persons, very good. It's the way we interact with others. Very good, Sakshi, Navodita. In communication skills, way of interaction, relating to relationships and communication. Very good, bachche. It means you are understanding the concept. There are 2 words. One is intrapersonal and one is
इंटरपर्सनल. नाउ व्हाट इज इंट्रापर्सनल? इंट्रापर्सनल इज विदिन, विदिन. एंड बड़ा अच्छा बच्चे तो उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स आल्सो, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन आल्सो. जो तो मेरे अंदर है सब कुछ, दैट इज अ इंट्रापर्सनल. और वेन एवर आई कैन से आई एम टॉकिंग टू गॉड, मैं रोज पाठ कर रही हैं, प्रे कर रही हैं, गुरुद्वारा मंदिर चर्च कितने जा रही हैं, मत्था टेक रही हैं, दैट इज ऑल कम्स अंडर इंट्रापर्सनल, है ना, क्योंकि आप मानते हैं कि गॉड इज विद इन अस. बट जो तो एक तो ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होंगे, मैं तो सब ना गल कर रही हूँ, दिस इज इंटरपर्सनल. सो दिस इज आर कंसर्न, क्योंकि मेरा मेरे नाल किद्दां दा रिलेशनशिप है उहदे नाल बाकियां नूं फर्क नहीं पै रहा. बट हाउ माई डीलिंग, माई रिलेशनशिप, माई कम्युनिकेशन विद अदरस, है ना, दैट इज एक्चुअली अ टॉपिक ऑफ कंसर्न, जिथों साडियां प्रॉब्लम्स और साडे रिलेशनशिप सर्चेस शुरू होंगे है जां खत्म होंगे है. फर्स्ट एड मैं गल की कंफ्लिक्ट भी लैके चलते हैं, तो कंफ्लिक्ट की आप गल करते हैं कि नहीं कि लड़ाई. अज मैं जो थोड़ा सबन पूछा कि फिजिकल क्लास होंगी है, एंड ऑलरेडी मैं क्या कि मेरा सैशन 2 घंटे का चलता है, तो इट्स ऑल अपॉन इंट्रैक्शन ना. तो मैं जो थोड़ा पूछती कि कंफ्लिक्ट की रीजन है, एंड मनोगे मेरे जिदा ऑफिसर्स होंगे है तो 90% टेक के यस मैम कंफ्लिक्ट ऑल अराइज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, है ना. अज मैं कहां कि मेरी अपनी किसी फैमिली मैंबर ना लड़ाई है तो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी पिछे, जमीन पिछे, घर पिछे, है ना, देयर मे बी लॉट ऑफ रीजंस. बट जे मैं थोड़ा पूछा कि थोड़ी अपनी किसी फ्रेंड सर्कल च किसी ना लड़ाई है, क्यों है, किसी ने कुछ नहीं वंडना, कुछ नहीं लैके जाना, हर एक दी अपनी फैमिली है, अपना घर है, अपना ब्रेन है, अपनी एजुकेशन है, है ना, यू ऑल आर डिफरेंट, थोड़े एक दूजे ना कोई कंसर्न नहीं है. थोड़ा लगता है कि वह बंदा मेरी कुछ चीज को चोरी कर रहा है, कुछ चुरा रहा है, हर एक दा अपना अपना इंडिविजुअल है, बट फिर भी लड़ाई है. देन व्हाट्स द रीजन? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, है ना. आप एटीट्यूड की गल की कम्युनिकेशन, जिदा आप मैं हूँ इंट्रापर्सनल वी कैन टॉक इन लाइक कम्युनिकेशन आल्सो, वी कैन कंसिडर इट लाइक रिलेशनशिप आल्सो. बट आई विल टैल यू जिदा एटीट्यूड की गल कल की है, माइंडफुल लिविंग की है, कि हाउ इन असी कि किसी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शेयर माई प्रेजेंटेशन. ठीक है बच्चे, स्क्रीन नजर आ रही है, इज इट विजिबल? यस मैम. यस मैम. ओके, थैंक यू. कितने कुछ कंफ्यूजन हुए, कितने कुछ लग गया कि तुसी मेरे नाल एग्री नहीं कर रहे, जां अपना कुछ विच एक्सपीरियंस शेयर है, जां कुछ भी, एनीथिंग, बच्चे यू ऑल आर फ्री टू डिस्कस विद मी एट एनी टाइम. बच्चों मैनू कितने भी स्टॉप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट डे तो कह रही है कि अपना कोई क्लासरूम सेशन नहीं है जिथे मैं कहूंगी कि बच्चे मैंने पहला सिलेबस खत्म कर दो अपना, देन वी विल डिस्कस. पहला क्लास ओवर होने दो, देन वी विल डिस्कस. दिस इज आर डिवेलपमेंट प्रोग्राम, सो वी कैन इंटरेक्ट एट एनी टाइम. ठीक है, विच विच आई प्लान सम सरप्राइजेस फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि थानू बोरियत ना लगे एंड सब नू थोड़ा जा विच जुड़ना इजी हो जाए. ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट इंटरपर्सनल स्किल्स. सो व्हाट इज अ इंटरपर्सनल स्किल्स? लाइक मैं ऑलरेडी जिद्दां नू मेंशन कीता है कि इट्स अबाउट योर इमोशंस, अबाउट योर बिहेवियर, है ना. असीं किसे नाल गल करन दी कोशिश करदे, कई वार आपां कहिंदे ना कि कुछ लोकां दी जजमेंट बहुत अच्छी हुंदी है, समझ आते हैं कि सामने वाला केड़े मूड च है, सामने वाला की गल करन वाला है, है ना. इट्स नॉट अबाउट परसैप्शन. कई बार साड़ी परसैप्शन करके बहुत प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि असं पहले अपने माइंड में सोच के बैठे होंगे कि आह पर्सन आ रहे हैं, इन्हें यही गल करनी है, इन्हें आह टॉपिक डिस्कस करने है ना. दैट इज परसैप्शन, दैट इज अ रीजन ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड योर बैड रिलेशनशिप्स. बट कई बार किसी की जजमेंट अच्छी जाती है, आप कहने यार बंदे नूं बड़ी जजमेंट है, आपां कहिंदे आपां किसे नूं समझ पाने हैं, तां दैट कम्स अंडर इंटरपर्सनल स्किल्स. कईआं दी गॉड गिफ्टड हुंदे आ, बाकी असीं सिखदे आ कि किद्दां हो सकदा है. सो हाउ टू रीड अदरस एंड यूर ओन इमोशंस, यूर ओन बिहेवियर एंड अदरस बिहेवियर. ठीक है, दैट इज कम्स अंडर इंटरपर्सनल स्किल्स. सो इट हेल्प्स इन, आई विल नॉट एक्सप्लेन, एनरिचिंग योर रिलेशनशिप्स. आई मेंशनड वर्क, क्योंकि ऑफिसर्स दा हुंदा है. About enriching your relationships, whether it's your family relationships, relationships with your friends, and relationship with your teachers or any of your social circle. So this will help you in better relationships,
interacting successfully with others, tackling people problems, learning basic methods for resolving interpersonal conflicts, maximizing your people reading skills, bringing out the best in people. ठीक है, कुछ ऐसी techniques discuss करेंगे. I will not spend time on this. So see, this is a situation. How one person is handling the entire team, or we can say one person is handling the entire your whole family. क्योंकि management की गल कर दे तो आप कहेंगे family is your first example of management. And it's not about your mother, father. You know, you can't portray this person as your mother or your father who is handling your family. It's you also. क्योंकि मैं भी थोड़ी मतलब young है, ठीक है, मेरी family च मेरे mother-in-law बड़े हैं, सब है, है ना, husband का एक अपना role है. But मेरे angle तो how I am playing role in family. हो सकता है relationship बाकियां देख दूजे ना खराब हों, but मेरे नाल बड़े अच्छे हों. है ना, तो हर एक नूं मेरी हेल्प दी लोड पै रही होए कि हाँ यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन. सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू हाउ आई एम हैंडलिंग माय होल फैमिली, सो दिस इज अ पर्सन एंड सी दिस इज आल्सो रिलेशनशिप्स. दोनों कंडीशंस है, बट डिपेंड करता है कि वो बंदा किदा मैनेज कर रहा है. सो हियर आर इंटरपर्सनल स्किल्स वर्क. मैं बहुत ज्यादा थ्रेटिकल लेके नहीं चलूंगी. वी हैव एक्चुअली ऑफ सम साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, मे बी तो कुछ लोगों ने उसके बारे सुनिया हुए, पढ़िया हुए, एंड असि सिंपली प्रैक्टिकली वो टेक्निक्स है जिहड़ी उन्हें देखांगे किदां. ठीक है, सो दिस इज आर कंसेप्ट जिथों असि स्टार्ट करांगे. बट अगेन अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, बस आप स्टार्ट करना है. आप सीखिया कि इंटरपर्सनल स्किल्स की है, किनू कहते हैं. So students, here is the point. One emotion. Again, emotions are key. Emotions bare se discuss nahi karange because that would be a different topic, that how to handle your emotions. To entirely lag gaya, but emotions ja apa gal kariye ta basic emotions sade hai jidda na crying, sadness, happy, smile, laugh, love, hate. These are the basic emotions. So here is a game. मेनु आंसर चाहिए बट इन चैट बॉक्स. ओके, देर आर मैं विच कुछ तेरे कुछ अच्छी एक्टिविटीज पाई है. आई विल नोट डाउन, आई हैव अ कॉपी पेन आल्सो, आई विल नोट डाउन हु इज गिविंग मी द आंसर. तो जो बच्चा आज एंड तक विल स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट्स, देयर इज अ गिफ्ट फॉर दैट पर्सन. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट गेम ऑफ 50 पॉइंट्स. फाइंड वन इमोशन एंड जस्ट टाइप द नेम ऑफ इमोशन दैट यू फाइंड इन दिस ग्रेड in chat box. Did anyone guess? I'm not able to see the chat box. I have to quit my screen. Actually, we have 1 minute. Is anybody able to answer? बच्चे कोई रिप्लाई कर सकते हैं, किसी ने आंसर लिखा? यस मैम. यस मैम. ओके, मैं आप तो चेक. बच्चे, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, सो आई एम अनेबल टू सी द चैट. हु विल हेल्प मी इन फाइंडिंग के चैट में किसने आंसर दिया सबसे पहले? It was Navodita. Is it right? Happy?
Yes, ma'am. And second one was mine. Nine is not emotion. It's a bahut kuch hai. In first line, there is a class. Right? Lekin isme emotion hi find out karna tha. That is a happy. So 50 points for Navodita. Okay. So now we will start with the interpersonal effectiveness. Okay. I was saying that we have few techniques. So in this lecture, I'm going to discuss three techniques. One is a Johari window. One is transaction analysis. And third one is a life positions. Kisne suna isse pehle iske baare mein? No, ma'am. Padha ho, suna ho? No, ma'am. ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਕ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਨਾਓ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਇਟ Even I see that change in my personality. Now, whenever some people comes to me, whenever you listen some positive words, somebody praises you, okay, yes, you are excellent in this, how you are understanding others, you know, tusi sab diyan problems kidda understand kar pande ho, ja tuhadi kise naal ladai kyun nahi hundi, why you are always smiling. So it always encourage you. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਡੇਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋ ਟੂਡੇ ਆਈ ਡਿਸਕਸ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਚ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪੈਂਡ 5 to 6 ਡੇਜ਼ ਔਨ ਦਿਸ ਕਿ ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਵਾਟ I think ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਬਾਈ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਸਟ ਡੇ ਦੈਟ ਵਾਜ ਔਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟਿਲ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂ ਕਾਂਟ ਡਿਟਰਮਿਨ ਅਦਰਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਪੇਪਰਸ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਐਂਡ ਜੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਅਮਨੀਤਿੰਦਰ ਮੈਮ ਨਿਤਿਨ ਸਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟਾਈਪ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੋ ਇਸ਼ੂਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਟ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ ਸੋ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਜੋਹਾਰੀ ਵਿੰਡੋ ਨੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਵਿੰਡੋ ਜੋਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੋਹਾਰੀ ਵਿੰਡੋ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਬਾਊਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਯੂਅਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜੋ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਹਾਓ ਇਟ ਫਿਟਸ ਇਨ ਯੂਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋਹਾਰੀ ਵਿੰਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਮੈਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਦੈਟ ਵਾਸ ਯੋਰ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਹੂ ਟਾਈਪਡ ਇਨ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਕਿ ਮੇਰਾ SI ਆਇਆ ਮੇਰਾ DI ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਾਸ ਯੋਰ ਓਨ ਚੋਇਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਟਸ ਓਕੇ ਬਟ ਜੋਹਾਰੀ ਵਿੰਡੋ ਸੇਸ ਕਿ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਓਪਨ ਮੀਨਸ ਨੋਨ ਟੂ ਅਦਰਸ ਐਂਡ ਨੋਨ ਟੂ ਸੈਲਫ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਸਟ ਡੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੈਡ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਨੇਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨ ਪਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੈਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਮ ਦੀ ਕੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਮੈਰਿਡ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ
personality jo hun tak tuhanu pata hai mere bare. So this is a my open quadrant. When I will discuss about this group, is group bare gal karungi, to this is my open quadrant. Second comes us to niche hidden. Hidden personality bache kiddan di hundi, jo main discuss karungi na, ta dekho ki tade mind ch kuch edan de persons jaange ki ha ye actually hai. So hidden personality ki hundi hai, meri personality da oh part jo main baakiyan nalo hide karke rakh rahi hai. I want ki chupa ke rakhna hai, baaki no de bare pata nahi chalne hai na. To sab di personality da kuch part hai jo se kehne hai ki sabnu पता नहीं होना चाहिए, वो मेनू पता है कि मैं मेरे चा प्रॉब्लम है जा खासियत है कमी है जो भी है ना. थर्ड वन इज अ ब्लाइंड. ब्लाइंड इज ओ परस पार्ट है मेरी पर्सनैलिटी का, नाम तो क्लियर है ब्लाइंड है, मीनस थानू नजर आ रही है बट मेनू नजर नहीं आ रही. जिदा मैं पहला गल की कि जे मैंने कोई कहे कि मैं तुझे बहुत डोमीनेटिंग हो, है ना, मैं कदे उस चीज बारे सोचा नहीं बट बाकी मेनू देख रहे हैं तो जज कर पा रहे हैं. मेरी वो पर्सनैलिटी का पार्ट बाकियों तो पता है बट मेनू लगता है कि नहीं 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 मैं ऐदा नहीं है, नहीं 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 मैं बिल्कुल भी ऐदा नहीं करती क्योंकि मैं मनन नू तैयार नहीं है. मैं अपने ब्रेन नू मना के बैठी हुई है कि मेरा पार्ट नहीं है, मैं ऐदा दी नहीं है. सो दैट वुड बी कम्स अंडर ब्लाइंड पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, जो मेनू नजर नहीं आ रहा बट बाकियों नू नजर आ रहा. एंड फोर्थ इज अननोन. ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮਰਨ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਕੀ, ਹੈ ਨਾ. ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ. ਬਟ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹ ਏਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਬੁੱਕ. Now let's suppose कोई मैंने कहे कि मैम कोई ऐसा बुक लिखो, मैं कहूंगी मैं कभी नहीं लिखी, मैं नहीं लिख सकती. बट हो सकता है जो मैं बुक लिखा तो बहुत अच्छी निकल के आए. तो दैट इज अननोन. लगूगा तो मैं कभी सोचा ही नहीं सी कि मैं एक काम भी कर सकती हूँ. दैट वॉज अ अननोन पार्ट जो ना कदम मैनू पता चलिया ना थानू. तो असं अपनी परसनैलिटी 100% कदे भी नहीं जान सकते, कुछ पार्ट सा अननोन रह जाता है. हुण यह जिहड़ी परसनैलिटी तो आप सिंपल समझ लिया है कि हुण इह किद्दां रोल प्ले करदी है साडियां इंट्रैक्शनस दे विच. सो फर्स्ट वन जो आपां डिस्कस करांगे दैट इज द ओपन रिसेप्टिव परसन, जिन्हां दा ओपन एरिया बहुत ज्यादा वड्डा है. हुण देखो जदों इदां दा परसन तुहाडे नाल, मन लो कि तुहाडा फ्रेंड सर्कल है कोई, लेट्स सपोज के 10 पीपल्स दा तुहाडा इक ग्रुप है बड़ा अच्छा है, है ना. तुहाडे च हुण जिहड़ा परसन ज्यादा ओपन होएगा कि अपनी कोई गलत तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा है, शेयर कर रहा है, तुहानू उहदी फैमिली बारे पता है, उहदे नेचर बारे पता है, देन वी नो कि हाँ इस बंदे नू की अच्छा लगता है की बुरा लगता है ना. जे 10 लोगों की गल भी नहीं करिए, आपां दोहां दी करिए. नाउ लेट्स सपोज कि मैं मैरिड है, मेरा ते मेरे हसबैंड दी रिलेशन दी मैं गल करा. नाउ इफ आई एम ओपन रिसेप्टिव, ओपन रिसेप्टिव क्यों है, जिहड़ा कि तुहाडियां सुजेशनस नू वी रिसीव कर रहा ओपनली, है ना. तो मैं अपने हसबैंड नाल अपनी हर प्रॉब्लम है, हर कोई चंगी चीज है बुरी चीज है डिस्कस कर रही है एंड वो मैनू फीडबैक देंदे जदों कि तेरे च ना रुपिंदर आ बड़ी प्रॉब्लम है, आ तेरा बड़ा बुरा पॉइंट है. हुण देखो दो चीज है, इफ आई एम ओपन रिसेप्टिव आई टेक इट पॉजिटिवली कि अच्छा ये चीज है, मैं मैनू कदे लगिया नहीं, ठीक है फिर मैं की करा इस चीज बारे. एंड मे बी मैनू कुछ बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट दे दे कि तेरी आ बुरा पॉइंट है, इहनू ऐदां नहीं ऐदां इहनू ठीक कर, अदरवाइज ये चीज खराब जा रही है. तो मैं उस चीज नू पॉजिटिवली लेके उत्ते वर्क करा. जा दूजी चीज की है कि मैं लड़ पाऊं कि तुसी मेरे बारे ऐदा किदा क्या, अपने आप नू देखिया कदे तुहाडे च किन्नियां कमियां तुहानू पता है, ऐदा करदे हो ऐदा करदे हो ऐदा वे करदे हो ऐदा वे करदे हो, तो मेरा हस्बैंड सोचणगे तौबा बापरे नैक्सट टाइम मैनू कोई सलाह नहीं देनी, नैक्सट टाइम नहीं दसना कि किदा बिहेव करदी है, इहनू चलना दो जिदा चलदी है इहदी मर्जी, है ना. कैसे अपने रिलेशन्स क्यों खराब करिए एक दूजे नूं सलाह देके. नो इफ आई एम ओपन रिसेप्टिव तो मेरे हसबैंड नूं मेरे नाल गल करन लगे पता होएगा कि इहदे च की कमी है, जां इह इस चीज नूं लैके इदां रिएक्ट करदी है, आह चीज इहनूं खुशी दिंदी है, आह चीज इहनूं दुख दिंदा नुकसान दिंदा, तां साडा रिलेशनशिप बहुत बैटर होएगा. एंड मन लो कि अज मैनूं पता ही नहीं है, मेरे हसबैंड कदे मेरे नाल गल ही नहीं कर रहे, है ना. इधर समझ लो कि दोनों से वर्किंग है, टाइम नहीं है साडे कोल एक दूजे लई, जां वैसे वो बहुत ज्यादा कोई टॉकटिव नहीं है, जां ज्यादा गलबात नहीं करना चाहते, फीडबैक नहीं लेंदे, जिदा मैं नहीं लई, मैं लड़ाई शुरू करती तो नैक्सट टाइम दित्ती नहीं उन्होंने मैनू,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਐਂਡ ਸੇਮ ਇਸ ਵਿਦ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨਾਓ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਵਿਦ ਯੂ ਆਲਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰੋਮ ਅ ਵਿਲੇਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਐਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਬਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੋਬ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ ਬਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਭ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਈ ਫੀਲ ਹੈਪੀ ਐਟ ਆਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਧੁੱਪੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਿਟ ਟੂਗੈਦਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਦਾ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ I'm talking about my family, about me also. This is true. The moment we entered at this house, hai na, Ludhiane wala house, so we all went to our own rooms. Entry te hi assi apna apna room pakadde hain, apna apna TV on hunda hai, room sada khana, breakfast, dinner, hai na, jabardasti sabnu table te bithana penda hai. So sadi jo ek communication hai, that automatically comes to stop. I don't understand why. ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ ਸੇਮ ਪਰਸਨਸ ਸੇਮ ਸਭ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਸੇਮ ਇਧਰੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਵਿਦ ਯੂ ਆਲਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਮਾ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ And you know, mera ek training program se, let's share an example. Badi shocking example hai, maybe tuhade chon kuch bacche, kyunki mainu pata nahi hai, kyunki sir physical training hundi hai, tab weak officers da group hunda hai, and we hurriedly used to discuss ke ki tuhade chon koi is cheez fall karda hai. Now I can't discuss ke tuhade chon kinne log is condition ch fall karte hai na. Tab mere kol ek lecture se, meri apni HRD psychology di training se, to on stress management, I call, request a professor from psychiatrist from DMC, Dr. Rajiv Gupta or Rajiv, kuch eddan da naam si, maybe tusi koi mile ho ohna nu. He's a psychiatrist, he's a head and professor in DMC, psychiatrist department. Ta unna ne ek badi shocking ji, jo discuss kiti saare naal officers naal, I was sitting there, ki aajkal ki hona shuru ho gaya, kende jo Ludhiane varge kuch shahar hai, jere thode high class zyada inna ch fall kardi hai, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੈ ਸਟੋਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈਸ ਰੂਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਰੂਮਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨੋ ਟੀਵੀ ਨੋ ਲੈਪਟਾਪ ਔਰ ਨਥਿੰਗ Anything like this. Aur oh kehnde ki unne apne gharan de baad ja room de baahar ek table te basket laga rakhi hai stylish achhi wali ta ghar de members nu zaruri hai discipline layi ki assi katto kat adha ghanta is room ch spend karna hai sabne ikatthe baithna hai and whenever one is entering this room keep your mobile out of the room adhe ghante layi unnu switch off karo silent te lagao unnu baahar basket ch pao then go inside and adha ghanta assi puri family ikatthe baithange then we'll go out us time tusi apne phone dekho kisi call aayi hai attend karo kuch karo tusi where we are going hai na assi kehri direction ch ja rahe hain we can easily understand from this and I was shocked kyo seriously matlab assi actually itthe ja rahe hain oh cheezan whatsapp te dekhan nu mildiyan si ki husband wife baithe hain oh apne phone te hai dusra banda apne phone te hai na we are turning like this and ek dooje nu message assi whatsapp te pa rahe hain ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੰਟਰਕੌਮ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਇਨ ਦਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਆਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਟਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਿਡਨ
हिडन जदों मैं अपनी पर्सनैलिटी का कुछ पार्ट छुपा के रखना चाहनी है बट सी तुहानू इदां दे लोकां दा पता किदां चलेगा है ना मैं नीचे लिखे है थोड़ा आई मेंशनड दिस इज अ परसन हु इज ऑलवेज आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड गिविंग लिटल इन रिटर्न द गेम प्लेयर ऊपर जोकर कार्ड वो देख रहे हो ना मेरी जो एनिमेशन लगी है दिस इज लाइक ऑलवेज फाइंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स डिटेल्स डेप्थ है ना इट मीन्स के फ्रॉम डेप्थ के कुछ छुट ना जाए पीछे तो देखो इदां दे लोकां दा पता किदां चलदा है कॉलेज जाते हो डेली यूनिवर्सिटी जाते हो तो तुहानू इदां दे लोक मिलते हैं जो तुहाडे कोल आंदे है कि होर यार होर सुना की चल रहा है तेरे दोस्त ने की किया गर्लफ्रेंड ने की किया उदा की होया फिर अदा की होया उदी फैमिली च की चल रहा है कल लैक्चर च देखा की होया टीचर ने अदा किया उस प्रोफेसर ने उन्हें डांटिया फिर उन्हें की रिप्लाई किया है ना ही विल ट्राई टू डिस्कस एनीथिंग तू की पढ़िया तेरे को किने किने बुक्स है किन्ने घंटे पढ़ रहे हैं किन्ने टाइम तैयारी हो रही है किन्ने बजे सुत्ता किन्ने बजे उठा टोटल डिटेल च इन्फॉर्मेशन लैके है ना जब जनरली मैं बड़ी बार एग्जाम्पल दिनी हूँ ये कि जो साढ़े कई बार ना जनरली पिंड लेडीज मिलते हैं आस पास है ना मैं दोनों टाइप फॉल कर दी हाँ तो आई कैन ईजली रिलेट क्योंकि शहर च मैं जनरली आस पास घर चा लोग दिखते हैं तो उत्थे की है कुछ लेडीज होंगे जिन्हें डेली सारे पिंड चक्कर लगा के एक दूजे की इन सिर्फ उनका काम होंगे टू फाइंड आउट द इनफॉर्मेशन है ना तो उन्हें हर एक को जाना है कि होर भैन जी थोड़ा की हाल है की बन रहा है मुंडा व्याह लिया नो किदां दी है रोटी दिंदी है पानी दिंदी है चाह दिंदी है तुहानू बुलांदी है पुछदी है पेके की करदे है मतलब डिटेल इन डेप्थ जो हो सकता है एंड द टाइम इन रिटर्न एंड यू विल आस्क समथिंग कि होर जी तुहाडे घर की चल रहा है जां तुहाडा की सिस्टम है जां तू अपने एग्जाम की तैयारी की तू पढ़िया द परसन इमीजिएट कुछ एक्सक्यूज देगा एंड ही क्विट कि जरूरी फोन आ गया घरों फोन है दो मिनट पाके तेन वापिस मिलता है दोबारा परसन वापिस नहीं आएगा ऑन सेम डे ही विल नॉट कम बैक है ना तो मैं लगेगा कि तुहानू पता नहीं चल जाए कि मेरे को केड़ी बुक है मैं कितों पढ़ रहे हैं कदों तैयारी कर रहे हैं केड़े टेस्ट विच अपीयर होने वाला है ना जिदा बस के कोई पोस्ट निकली है अपलाई मैं किया तो मैं ही सिलेक्ट हो जावा होर कोई बंदा अपलाई ना कर पाए नहीं तो दिस इज अ यू कैन ईजली जज के जो परसन थोड़े को आके डिटेल च इनफॉर्मेशन लै रहा है ना काट दी हंडी वार वार नहीं चढ़ती तो यू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ गेम प्लेयर दिस इज अ हिडन काइंड ऑफ परसनैलिटी सो इग्नोर ट्राई टू अवॉइड कि ठीक है क्योंकि जनरली हूं तो भी ऐदा ही है थोड़े एक सर्कल च एक दिन एक बंदा थोड़े को आके ऐदा करेगा सैकेंड डे करेगा थर्ड डे करेगा फोर्थ डे यू विल स्टार्ट के दिमाग खाएगा सारा कुछ पूछेगा अपने बारे कुछ दसदा नहीं जान दो है ना तो वी स्टार्ट इग्नोरिंग कि तुहाडे नाल क्यों डिस्कस कर रही क्योंकि एक तो तुहानू हुण आइडिया आएगा कि हाँ ये परसन है साडे लिंक च एंड सैकेंड थिंग कि जे तुहानू लगता है कि किते मेरी परसनैलिटी इस काइंड च फॉल तां नहीं कर रही तो प्लीज ट्राई टू इम्प्रूव ब्लेंड हुण गेम प्लेयर की है तुहाडे लई रिस्की सी बट द ब्लैबर माउथ जोकर He is a risky for himself or herself. हुण ए परसन दा तुहानू किदां पता चलेगा कि ब्लाइंड काइंड ऑफ परसनैलिटी च है जां किते मैं ब्लाइंड काइंड ऑफ परसनैलिटी च फॉल ते नहीं करदी जे ओ परसन है जिहड़े कंटीन्यूअसली बोलदे आ तुसीं कॉलेज च खड़े हो एक दो लोगां कोले जां अपने किसे ग्रुप च खड़े हो परसन एंटर्स योर ग्रुप एंड स्टार्ट्स टॉकिंग अज देखिया ऐदा होया और टीचर ने मैनू ऐदा क्या मैं क्या मैं कम भी कर दू मैं ऐदा भी कर दू मेरे तो बिना कम नहीं चलता मेरे तो बिना ऐदा नहीं हुंदा मैडम ने कहा आ चीज तू ही हैंडल करनी है अदरवाइज हो नहीं पाएगी है ना तो मतलब यू कैन से फुकरे काइंड बंदे है ना कल भी एक कोई अपने टीचर गल कर रहे थे वो बंदे जेडे हमेशा फुकरी मारते हैं एंड सुन लगते कि यार सुन लो कोई गल नहीं दी आदत है इन्हें फेंक के जाने अपने इधर उधर कोई गल नहीं सुनो सुनो बट आपां उन्हूं सीरियसली नहीं लैंदे तां इदां दे काइंड ऑफ परसन क्यों ब्लाइंड है क्योंकि वह बंदे इन्ना ज्यादा बोलते हैं कि वह रिटर्न च फीडबैक लैंदे ही नहीं वह जज नहीं करते कि सामने वाला मैनू सुन रहा है कि नहीं सुन रहा सामने वाला मैनू सीरियसली लै रहा है कि नहीं लै रहा है ना सामने वाला मेरे व्यू पॉइंट्स कंसीडर कर रहा है कि नहीं कर रहा जां जिद्दां ही मैं टर्न करदी हां सामने वाले मेरा मजाक ते नहीं उड़ा रहे थिंग इज के जे तुहानू लगदा आपां नूं सब ऐदां दे आ जे लगदा कोई बंदा तुहाडा मजाक उड़ा रहा तुहानू सीरियसली नहीं लै रहा तां प्लीज डोंट हर्ट योर सैल्फ इट मीनस दैट परसन इज नॉट
as per your requirements tonu fit nahi baithega ta ignore those persons but ha eh dekh lo ki kithe na hoye ki mazak sahi tarike ch sahi ode karke ban reya hoye ki tusi feedback le hi nahi rahe kyunki generally assi educated log hain ta sanu lagda hai ki jehde bande sada mazak uda rahe hain nahi sanu apne like nahi samajh rahe that means ki oh vi sade like nahi hai apan generally unda group chhad ke apan ignore kar dende hain बट किते ट्रू तो नहीं है कि तुसी इन्ना ज्यादा बोल रहे हो कि तुसी सामने वाले दी फीडबैक ही नहीं ले रहे कंसीडर ही नहीं कर रहे तो ये लोग अपनी फुकरी मारन च इन्ना बिजी होंदे है कि उन्हां नूं समझ नहीं आती कि साडी परसनैलिटी किदां दी बन गई है लोग सानू किहड़े तरीके नाल ले रहे हैं तो एक्चुअली आपां जदों ये लोग आके जांदे हैं तो आपां नूं जोकर टाइप समझते हैं हसदे हैं कि देखिया देखिया ने इदां करता इहदे तों बिना तां काम नहीं चलदा इस तों बिना दुनिया नहीं चलदी ये हुण जाके कैप्टन अमरिंदर नूं जां मोदी जी नूं हुण इहदी सलाह दी लोड़ पएगी उह वी इहनूं फोन करके पुछदे होणगे तां वी यूज़ टू से सच वर्ड्स कि हाँ इह बंदा बड़ा महान है ना तां जे सानूं लगदा हुण देखो जे इदां दा परसन तुहाडे लिंक च है ना तुहाडी फैमिली च है जां इधर उधर है तां आपां विद टाइम उहनूं इगनोर करना स्टार्ट करते हैं बट जे तुहानूं लगदा है कि अज सुनन तों बाद कि किते मैं इदां तां नहीं If I feel के हाँ मेनू ते आदत है मैं बहुत ज्यादा इदा बोल देनी है बट की सामने वाले मेनू सीरियसली ले रहे हैं नहीं ले रहे इट मीनस के मेरा ब्लाइंड स्पॉट बढ़ रहा है आई नीड सम फीडबैक फ्रॉम सम ट्रू परसन एंड कौन हो सकते हैं सब तो फर्स्ट थानू फीडबैक देंगे थोड़े मदर फादर जो थानू बिल्कुल भी किसी पॉइंट ते गलत फीडबैक नहीं देंगे जे लगता है थानू कुछ कह रहे हैं तो प्लीज स्टॉप क्रिटिसाइजिंग के तुसी इदा ही बोल दियो इदा ही कर दियो हमेशा ही इदा चलता है स्टॉप criticizing like this and try to improve on those points ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕੋਈ ਟਰੂ ਫਰੈਂਡ ਨਾ who can give you feedback last one is the unknown ਹੁਣ unknown personality ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ personality ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ chat box ਪੜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ introvert kind of persons ਤਾਂ unknown ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ doesn't mean ਕਿ ਜੋ introvert ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹਰਮਿਟ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਯੂ ਰਾਈਟ ਦ ਰੋਂਗ ਵਰਡ ਹਰਮਿਟ ਹਰਮਿਟ ਮੀਨਸ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੁਛ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਪਾਠ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਸੈਡ ਯੈਸ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਅਨਨੋਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਬੁਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਿਨਹਾਸ ਯੂ ਰੇਜ਼ਡ ਯੋਰ ਹੈਂਡ ਬਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਨੋ ਮੈਮ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਸੌਰੀ ਓਕੇ ਇਟਸ ਓਕੇ So this is an unknown type of personality. ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਟ ਅਨਨੋਨ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਟਸ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਿ ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਏਰੀਆ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਓਪਨ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਵਿਚ ਯੂ ਆਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਬੈਟਰ ਹੋਣ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਵਿਦ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਪੇਅਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਟਲੀਸਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖੀਆਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਹੋਏ ਦਿਸ ਵਾਜ ਅਬਾਊਟ ਦ ਜੁਹਾਰੀ ਵਿੰਡੋ ਸੋ
हाँ, another game, another activity. बच्चे, are you ready? मैनू किसी ना किसी ने दसना पाएगा कि मैं चैट बॉक्स मैम नहीं कर पा रही. सो सेकेंड अगेन इट्स अ पजल. तो वी हैव जनरली थ्री मील्स इन अ डे. मैनू बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगी. थ्री मील्स इन अ डे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर. एंड मेरी ग्रिड देयर इज अ वन मील. जस्ट गेस व्हाट इज दैट मील. एंड समबडी प्लीज व्हेन टाइप इन अ चैट बॉक्स टेल मी हु टाइप्ड इट. Ma'am, I found lunch. This is her Komal. Yes, ma'am. I found out lunch. Very good. Komal, this is a true. There is a one meal that is hidden is lunch. Good. Clear for more than her Komal. 50 points and 60 points. I'm noting it down. Yeah. So, our next technique. This was just for a break between techniques. ताकि अपना माइंड है बहुत ज्यादा हैवी नहीं लगे. बिकॉज ये सिर्फ टॉक्स नहीं है, दीज आर एक्चुअली सम टेक्निक्स जो साइकोलॉजी दिया है. सो नेक्स्ट इज अडलजीत सिंह रेज्ड अ हैंड. बट यू हैव समथिंग टू डिस्कस. मैम बाय मिस्टेक हो गया. नो इश्यू. नेक्स्ट इज अ ट्रांजैक्शन एनालिसिस. सो नाउ व्हाट इज अ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. एक तो ट्रांजेक्शन तो पहला मैं नीचे एक मेंशन किया है ईगो स्टेट. दैट इज अ पेरेंट अडल्ट चाइल्ड और वी से इट अ पैक मॉडल. बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉडल है. आप सब नु कहंदे ना बंदे च बहुत ईगो है. इस बंदे ना गल ही नहीं करनी चाहिए. इन्नी ईगो है इस बंदे दी. ईगो हर्ट हुंदी है इस बंदे दी, है ना. तो जनरली असीं उहनूं लैके चलदे हां कि हाँ ठीक है बंदे दा हाई लेवल ऑफ एटीट्यूड दैट इज ईगो. बट दिस इज नॉट अ दैट ईगो. ए ईगो की है एक ए ईगो है जो साडे च ने कहा कि इट्स अ टाइप ऑफ ईगो कि केड़ी ईगो तुहाडे च प्रेजेंट है. एंड फ्रॉम अ बर्थ टिल डेथ असीं हर टाइम जदों किसी नाल गल करते हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, गल कर रहे हो, हर टाइम तुहाडे च एक ईगो मॉडल सॉरी एक ईगो है जिहड़ी ओह प्रेजेंट है. एंड ये देखो कि जे मैं तुहाडे नाल भी गल कर रही हूँ इस टाइम मेरे च भी एक ईगो प्रेजेंट है, तुहाडे च भी एक ईगो प्रेजेंट है. एंड असीं अपने जो कम्युनिकेशन बैटर करनी है तो वी शुड अंडरस्टैंड कि इस टाइम केड़ा बंदा केड़ी ईगो दे विच बैठा है. ठीक है. तो ईगो पहला आप ईगो नू अंडरस्टैंड करांगे, देन वी विल गो ऑन ट्रांजैक्शंस. सो आई सेड पेरेंट अडल्ट चाइल्ड ईगो स्टेट. सो फर्स्ट वन इज द पेरेंट ईगो स्टेट. नाउ पेरेंट मैनू समझाने की लोड़ नहीं है, हर एक दे विच पेरेंट ईगो स्टेट है. आई हैव अ 7 ईयर ओल्ड बॉय लड़का ओदे विच वी It doesn't mean कि वो parent नहीं है, हुन बच्चा है, but parent ego state उदे चुई है. साल दो साल दे बच्चे विच भी parent ego state है. तो parent मैनू ज्यादा समझाना नहीं पाएगा क्योंकि सबनों पता है parents की हुंदे. That is the taught concept of life. तुसी उदो parent ego state चुनते हो जदों तुसी किसे नू कोई life दा lesson देन दी कोशिश करते हो, कुछ समझान दी कोशिश करते हो कि तेनू नहीं पता आज चीज ऐदा नहीं चलती, ऐदा चलती है. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ. ਤਾਂ ਦੋ ਕਾਇੰਡ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਨਰਲੀ. ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ. ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਨਰਚਰਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਔਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟ. ਹੁਣ ਨਰਚਰਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਫਿਗਰ, है ना, अनकंडीशनल लव. जो आप किसी ने इदा मेरा जो मैं अपने बेटे की गल कर रही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही कि बेटा आ चीज नहीं इतना चलती, है ना. आई वॉन्ट कि मैं उन्होंने एक दुध का गिलास पिलाना है. बच्चे दुध पसंद नहीं है तो नर्चरिंग पेरेंट मैं कदों कहूंगी, मैं कहूंगी कि बेटा तेरे लिए बहुत जरूरी है. पता है ये बोन्स स्ट्रोंग होंगी है, ये कैल्शियम होंगे, ये तू वा हो जाएगा, स्ट्रोंग हो जाएगा, तेरा दिमाग बढ़ेगा और समथिंग समथिंग. कई बार बहुत झूठ भी बोलना पैदा है. दैट इज अ नर्चरिंग पेरेंट. कंट्रोलिंग पेरेंट कदों होएगा, मैं कहूंगी दुध पिया, पीना तो पाएगा, जे नहीं ना पीता फिर आज देखें की बन दे. टीवी नहीं लगाना, फोन नहीं मिलूगा, आ चीज नहीं मिलेगी, खेलना नहीं है जब तक दुध का गिलास खत्म नहीं होता. दैट इज अ
कंट्रोलिंग पेरेंट इन कंसीडर बच्चे तुहाडे पेरेंट्स भी पहला नर्चरिंग आंदे आ दे ट्राई टू टीच यू समथिंग विद द पोलाइट विद लव एंड ए सेकंड कमांड हुंदी जदों लगदा है कि बच्चा नहीं सुन रहा इवन दिस इज ट्रू विद टीचर्स आल्सो जदों लगदा है कि नहीं सुन रहा समझाना जरूरी है देन दे ट्राई टू कंट्रोल टाइट कर दिया जो अपने कमांड दैट इज अ कंट्रोलिंग पेरेंट एंड हर एक दे विच है मैं क्या बच्चों के भी है ना बच्चों के कि आती है देखो एज अ मदर मेरा की है कि जॉब की जॉब तो बाद सीधा घर है ना हम अपने हसबेंड की गल करा तो अपने डिपार्टमेंट जो शाम को फ्री होंगे तो समटाइम्स कुछ फ्रेंड्स आ गए कुछ होर आ गया फिर जिम चले गए तो बहुत बार होंगे कि लेट हो जाते हैं तो की है कि बेटा की करता है कई बार उन्होंने प्यार ना कि अज लेट क्यों आए हो कल नहीं आना कल अपना प्रोग्राम है एंड समटाइम्स ही यूज टू स्कोल्ड अज फिर लेट आए हो तो अंडा रोज का काम हो गया एंड आंदा कितों है समटाइम्स ही यूज टू नोटिस मी आल्सो माई मदर इन लॉ आल्सो कि अपने बच्चे को डांट रहे हैं कि लेट क्यों आया है रोज का काम हो गया अज फिर लेट है कल भी लेट सी तो ही यूज टू कॉपी बट एट दैट टाइम ही इज इन अ पेरेंट ईगो स्टेट सेकेंड इज अ अडल्ट ईगो स्टेट नाउ अडल्ट इज द थॉट कंसेप्ट ऑफ लाइफ जैसे कहने आई एम मच्योर इनफ मैं इन मच्योरिटी मेरे छे में समझ सकती है कि सही है कि गलत है इट मीन्स आई एम इन अडल्ट ईगो स्टेट मीन्स थॉट कंसेप्ट सोच समझ के पूरा लॉजिक ना आई लिखे ना अडल्ट इज अ ग्रोन अप रैशनल पर्सन रैशनल मतलब हर चीज नो समझ के प्रॉपर मैं डिसाइड करूंगी कि सही है कि गलत है थर्ड आ चाइल्ड ईगो स्टेट ना चाइल्ड ईगो स्टेट कदों है जो असि सिर्फ महसूस करते हैं ना अडल्ट इज फ्रॉम आर ब्रेन बट यू आर इन चाइल्ड ईगो स्टेट वेन यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर हार्ट मन अपना सुन दो दिल की गल सुन दो देन यू आर इन चाइल्ड ईगो स्टेट बिकॉज दैट इज अ फेल्ट कंसैप्ट हम चाइल्ड की है चाइल्ड भी तीन तरह के देखो अडल्ट कोई वेरिएशन नहीं आती अडल्ट मीनस समझदार हो मच्योर हो वे हो गए हो इट मीनस कोई सैकेंड ऑप्शन नहीं है ना बट चाइल्ड की अगेन तीन है देर इज अ नैचुरल चाइल्ड अडेप्टिव चाइल्ड एंड लिटल प्रोफेसर है ना हम देखो ये की है इदा मैं नैचुरल चाइल्ड बारे लिखे है ना नीचे ऑप्शन है नैचुरल चाइल्ड दिया नैचुरल चाइल्ड वाह वी इन बच्चे जो हम आप समझा गया कि मैं ये भी चाइल्ड ईगो स्टेट होंगी सब दे विच है मेरे च भी है मेरे मदर फादर च भी है तुहाडे मदर फादर च भी है ग्रैंड पेरेंट्स है तो उन्हां च भी है सब दे विच है एंड तक रहेगी अडल्ट भी आएगी पेरेंट भी आएगी चाइल्ड भी आएगी बट हाँ ये भी जिदा मैं क्या पेरेंट ईगो स्टेट समझने लिए बनी पेरेंट्स तो ही है तो बनी चाइल्ड तो ही है हम कि समझ आती है कि बच्चा देखो कोई भी है ना बच्चे ने कोई कच की चीज देखी लेट्स सपोज के जिदा मान लो कि वाटर कच की है लेट्स सपोज है नहीं कच की कि कच की है तो बच्चा कोई चीज अच्छी लगती है बच्चा कहता वाह कितनी अच्छी है ना छोटा बच्चा जो कोई चीज चलती है कोई छोटा जो टॉय दिने कोई ट्रक है कोई कार है कोई डॉल है कुछ भी जो चलता है तो बच्चा कहता वाह तो ही यूज टू क्लैप के मजा आ गया दैट इज अ नैचुरल चाइल्ड वी रिएक्ट इन अ सेम वे कई बार जो सू कोई अच्छी चीज मिलती है तो पेरेंट्स सू कुछ ऐदा का गिफ्ट करते हैं फ्रेंड्स करते हैं जी कुछ बड़ी अच्छी चीज देखते हैं घूमन चाहते हैं कुछ देखते हैं वाह कि अच्छा चीज इन दैट टाइम देर इज अ नैचुरल चाइल्ड इन यू अडेप्टिव चाइल्ड अडेप्टिव चाइल्ड की है जिदा मैं अगेन आई वॉज टॉकिंग कि मैं अपने बेटे को दुध का गिलास ऑफर किया है तो उन्हें पीना भी नहीं है बट ही वॉन्ट्स के मम्मा मन भी जान मम्मा मन नहीं है प्लीज है ना हम देखो एज अ स्टूडेंट कई बार मन करता है कि क्लास नहीं लगानी है ना बट अपन होंगे कि यार बंक भी नहीं मारना कल परसों बंक मारिया सी जा कुछ हो रहा है टीचर स्ट्रिक्ट है मार्क्स कट्टनगे पंगा पाणगे तो आप कई बार कहने कि अज क्लास नहीं लगानी मैम प्लीज अज आ प्रॉब्लम है अज मैच है ना अज कुछ इदा दे रीजन है प्लीज जान दो तो इन दैट टाइम यू आर एक्ट एज एन अडेप्टिव चाइल्ड कि गल भी मनवानी है एंड वो भी मना के चलना है मतलब धक्का नहीं करना तब सामने वाले बंदे की कंसेंट आ जाए एंड थर्ड इज अ लिटल प्रोफेसर की होंगे जनरली कैटेगरी मैं स्टीरियोटाइपिंग नहीं चलती बट जनरली कैटेगरी बॉयज में ज्यादा मिलती है जो छोटे छोटे बच्चों की भी गल करिए अपने बेटे की गल करिए ही यूज टू एक्सपेरीमेंट कोई कार ट्रक कुछ आ गया तो वो खेलना घट है एंड उन्होंने तोड़ के एक्सपेरीमेंट जल्दी हो जाता है कि चल की रहा है दिख की रहा है ना जनरली वी यूज टू डू सच थिंग्स के चलो करके देखते हैं है ना अच
कहूंगे क्लास बंक करनी है ना, एज अ स्टूडेंट मैं कहूंगी नहीं 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 प्लीज प्लीज क्लास नहीं बंक करनी, बड़ा पंगा हो जाता उस तो बाद, मैडम बोलेगी या सर बोलेंगे, मार्क्स कटेंगे, दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो तुसी कुछ बच्चे भी ऐदा जो कहते हैं अरे यार करके देखते हैं ना की फर्क पैंदा है, की हो जाएगा, वो तो वो की करेंगे, अज बंक करके देखते हैं, है ना, अज आ चीज कर दिया तो चोरी या कम करके देखते हैं, दैट इज अ लिटिल प्रोफेसर, है ना। जो तो बच्चे लगता है कि कच की बॉटल है, मम्मा मना करते हैं कि कच का गिलास है उठाना नहीं है, तू चकना नहीं कच का गिलास, बट बच्चे लगता है कि मैं तोड़ के सुट के चेक कर ला होगा की मेरे हाथ लगाना की होगा, है ना, दैट इज अ लिटिल प्रोफेसर। तो यह तीनों कैटेगरीज है जिड़िया साढ़े च पूरा टाइम रही है ना, बट हम डिपेंड करता है कि हम इफेक्ट किदा करती है। तो मेनली देखो तीनों ईगो स्टेट से, ईगो स्टेट्स आई एक्सपेक्ट के सबनों क्लियर है, ईगो स्टेट्स बच्चे समझ आ गया? यस मैम, यस मैम, यस मैम। देखो अपनी टेक्निक सी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, हम ट्रांजैक्शन की होंगी है ना, लेट्स सपोज कि आज मैनू कुछ पैसे चाहिए है, मैं बैंक गई अपना फॉर्म फिल किया काउंटर ते दिता, उन्होंने मैनू पैसे देते, तो आप कहने ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, है ना। सेम वे मैं कुछ दसिया है ना, हम मैं पूछा कि तुम समझ आ गया, यू सैड के यस मैम, इट मीनस ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। हम आप कम्युनिकेशन दे विच असी अपनी इस गलबात नू जा रिलेशनशिप से विच अपनी इस गलबात दे लैन देन नू असी कहने हैं ट्रांजैक्शंस। हुण एक ट्रांजैक्शंस है जिहड़ियां उह डिपेंड करदियां कि तुसी किहड़े टाइम किहड़ी ईगो स्टेट विच बैठे हो, जिहड़ी ईगो स्टेट च बैठोगे तुहाडे जुबान तों जो वर्ड्स निकलणगे ना ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਇਕਲੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਟੀਚਿਊਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਹਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਈਗੋ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਓ ਅਗੇਨ ਆ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਸਲੋਟ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਸ ਅਗੇਨ ਅ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਅ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫੋਰ 70 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਨਾਓ ਫਾਈਂਡ ਦ ਆਡ ਵਨ ਆਊਟ ਐਂਡ ਕੁਇਕਲੀ, ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਕਰੇਗਾ ਚੈਟ ਬਾਕਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਮ? ਫੋਰਥ ਰੋ ਮੈਂ ਹੈ, ਗੇਮਸ ਖੇਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੜੇ ਕੁਇਕ ਹੋ ਫਟਾਫਟ ਲੱਭਣ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਲੱਭਣ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਲਲੀ 3 ਈਗੋ ਸਟੇਟਸ, 1 ਇਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ, ਅਡਲਟ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ। ਤਿੰਨੋਂ ਈਗੋ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਟਿਵ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਈਗੋ ਸਟੇਟ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਨਾਓ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ 2 ਟਾਈਪ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਔਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੁਛ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਸਟੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਪੇਰੈਂਟ ਟੂ ਚਾਈਲਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਸਟੇਟ ਚ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸ
टाइप ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਗਰ ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਬਟ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੇਰੈਂਟ ਈਗੋ ਸਟੇਟ ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਟੂ ਚਾਈਲਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯੈਸ ਮੈਮ ਨੋ ਮੈਮ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਯੂ ਚਾਈਲਡ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟ ਟੂ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਈਲਡ ਟੂ ਪੇਰੈਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੋਸਡ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰੋਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਸਟੇਟ ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈਡ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਕਿ ਚਲੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਗੇਮਸ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਾਂ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂਗੀ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਹੈਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਫਰੋਮ ਪੇਰੈਂਟ ਟੂ ਚਾਈਲਡ ਹੈਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਟੂ ਚਾਈਲਡ ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਅੱਛੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਨਾ ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਕੰਸਿਡਰੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਟੂ ਪੇਰੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਗੋ ਸਮੂਥ ਨਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਨਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਗੇਮਸ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਦੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਈਗੋ ਸਟੇਟ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਡਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਡਲਟ ਅਡਲਟ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਸੀ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅਡਲਟ ਟੂ ਅਡਲਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਡਲਟ ਟੂ ਅਡਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਤੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਏਗੀ ਹੈਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਉਲਟਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਲੇਟ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਆ ਘਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਈਗੋ ਸਟੇਟ ਚ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਵੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਹੋ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟਾਕ ਇਨ ਟਰਮਸ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਫਨ ਮਸਤੀ ਹੈਨਾ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਲੇ ਵਿਦ ਹਿਮ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੀਚ ਸਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਟੂ ਹਿਮ ਕੁਛ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਹੈ ਸਕੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਫਿਗਰਸ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਟੂ ਸੇ ਸੋਰੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਟਾਈਪ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੀ ਵਿਲ ਫੀਲ ਫਰੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਵਾਂਟ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਚਰਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
मैं आज लेट आ रही है तो मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी जो पेरेंट इको स्टेट च बैठे है तो गुस्से च बैठे होंगे है ना, कि कोई टाइम है रात दे 10 बज गए लेट आ रही है, तो हो सकता है द मोमेंट आई एंटर द रूम वो मैनू कहन कि ए केड़ा टाइम है, इस टाइम को बाहर घूमता है ए टाइम हुंदा है बाहर रहन दा, है ना। दे आर टॉकिंग फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, तो उन्हां दी ट्रांजैक्शन पेरेंट टू चाइल्ड चल रही है, है ना। हुण जे मैनू पता है कि वो पेरेंट्स है दे हैव अ राइट टू स्कोल्ड मी टू क्रिटिसाइज मी, एक तो मैं कहां कि सॉरी गलती होगी कल तो नहीं होएगा, आई टेक केयर, है ना। तो वो थोड़ा बहुत मैनू बोलेंगे देन शांत हो जाएंगे कि चलो गलती मान ली, है ना। तो वो की होएगी मेरी ट्रांजैक्शन चलेगी चाइल्ड टू पेरेंट, तो वो चलेगी। बट हुण जो मैं उन्होंने बोल दूंगी है ना कि मेरा कोई काम सी, तुहानू पता भी है मैं की काम कर रही हूँ किदां कर रही हूँ किन्नी मुश्किल नाल मैं अपना काम कर रही हूँ, घर बैठे हैं तुहाडे टाइम वाली नौकरियां नहीं है, साडिया नौकरियां ना बहुत औखियां हो गईं, चुपचाप अपना अंदर बैठा करो, मेरे नाल फालतू च बोलन की लोड़ नहीं है ज्यादा, तुहानू पता नहीं है कि मेरी किन्नी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ, मेरी जॉब किन्नी मुश्किल है करनी। कि मैं अगेन आई स्टार्टेड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, वो पेरेंट टू चाइल्ड सी मैं भी पेरेंट टू चाइल्ड है, है ना। जनरली एदा ही नहीं है साड़ी प्रॉब्लम, यह फैमिलीज दे विच साड़े दो रिलेशनशिप्स दे विच जिदा हसबैंड वाइफ है, जे मेरे अपने हसबैंड नाल है तो हो सकता है कि उन्होंने कोई गलती की है, जब मैं कोई गलती की, जब मैनू उनका कोई चीज पसंद नहीं आई तो मैं उन्होंने अडल्ट टू अडल्ट नहीं, मैं उन्होंने पेरेंट टू चाइल्ड समझाने की कोशिश की है कि थानू नहीं पता कि आ चीज गलत होंगी है, आ चीज ऐदा नहीं चलती। तो जे वो अंडरस्टैंड करते हैं सेम वे, है ना, जो मान लैन के पेरेंट ईगो स्टेट दे विच है आई शुड लिसन। असि जनरली एक गल कहने ना कि जो रिलेशनशिप से विच की है एक बंदे नू गुस्सा आया तो दूजा शांत रहे, वट इज दैट, दैट इज एक बंदे नू गुस्सा आया मीनस एक बंदा पेरेंट ईगो स्टेट च है, असि अडल्ट एंड चाइल्ड दे विच ईगो स्टेट च गुस्सा नहीं मन के चलते, गुस्से वाला करैक्टर है जो पेरेंट ईगो स्टेट च बैठे चलिए कि बंदा पेरेंट ईगो स्टेट च है, तो सानू एज अ चाइल्ड थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर तुसी चुप रहो मीनस थोड़ी देर तुसी अपने आप नू चाइल्ड ईगो स्टेट च मान लो, तो थोड़ी देर तक तुसी अपने आप ही जदों उहदा गुस्सा थोड़ा नीचे तुहाडा थोड़ा लैवल तो अडल्ट टू अडल्ट अपने आप चल पैंदा है, तां ट्रांजैक्शन ऑटोमैटिकली अडल्ट टू अडल्ट कन्वर्ट हो जाती है। बट कई बार असीं इस चीज़ नू अडल्ट टू अडल्ट कन्वर्ट होने का मौका नहीं दिंदे। ये चीज देखो कई बार तुहानू तुहाडे टीचर्स भी डांटते हैं, है ना, कई बार बिना गल तो भी डांट देंदे हैं, है ना। जिदा कल मैडम कह रही थी असीं कहने हैं कि अज सर दा मूड बड़ा खराब है, लगता उनकी वाइफ ने रोटी नहीं दिती, जां जे लड़के आए हैं अज मैडम दा मूड बड़ा खराब, अज लगता अपनी सस नाल लड़के आई है। जनरली एज अ स्टूडेंट असीं भी बहुत कुछ बोलते सी टीचर्स दे बारे च, तो देखो की है वो इन्हां ट्रांजैक्शनस विचों चीज निकलती, बच्चे गलत नहीं है उस पॉइंट ते। हुण मैं कह रही हाँ कि सानू इस चीज नूं साडियां स्किल्स किदां अच्छियां होणगियां, वी हैव टू हैंडल इट स्मार्टली। मेरी थोड़ी देर पहला हो सकता है मेरी लड़ाई हो गई, है ना, बट असी एक चीज होर भी क्योंकि असी जदों वर्किंग पीपल है जिदा मेरे लैक्चर ऑफिसर्स कोल हुंदे तां असी उहनूं कहिंदे आ कि ऑफिस दा काम ऑफिस, घर दा काम घर। इट्स सेम ट्रू विद यू, अपने कॉलेज दा यूनिवर्सिटी दा जो गुस्सा है जो अपने उत्थों वाले इमोशंस है लीव दैट देयर ओनली, अपनियां वो चीज़ां घर लैके जाण दी लोड़ नहीं है। अज मान लो कि मेरा अद्धे हुण तुहाडे नाल सैशन चल रहा है, मान लो फिजिकल सैशन है, क्लास है, है ना, तुहाडे च एक बच्चा लेट आ रहा है ना, तुहानूं पता है कि जो तुहाडे क्लासरूम सैशनज है तुसीं वैसे अदरवाइज लेट नहीं जा सकते ज्यादा, बट तुहानूं पता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है कोई गल नहीं, है ना। मैं पहला भी कहा सी नो के मैडम दा साडे कुरिकुलम नाल कुछ लेना देना नहीं है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है 3 दिन का खत्म हो जाएगा, दैट्स ओके, है ना। तो फिजिकल क्लास लेट सपोज फिजिकल चल रही है, तुहाडे च एक बच्चा लेट आंदा है, तो मैं टाइम देख के कह रही हूँ कि बच्चे केड़ा टाइम है, क्लास साडी 2 बजे की स्टार्ट हुई है एंड 3 तो उपर हो चुके हैं टाइम, मैं टाइम है क्लास सेंटर करन दा, जस्ट स्टे आउटसाइड ना। एक तो है कि बच्चा यह समझ गया तुहाडे चो कि यार मैडम मतलब टीचर है ठीक है गुस्से च बैठे है कोई गल नहीं, यू कैन से कि सॉरी मैम कुछ प्रॉब्लम हो गई सी मैं लेट हो गया कल तो नहीं होएगा, प्लीज मे आई सिट, तो एक सैकेंड मैनू भी लगेगा कि चलो ठीक है। कई बार बंदा ज्यादा ही मतलब ऐसा हो जदों मेरा रोज रोज गुस्सा करके, जे अज बच्चे कुछ मैनू कई बार ऑफिसर्स मैंने भी पूछ दिया कि मैडम जे बंदा कोई रोज ही तुहाडे नाल ऐदा करे, तुहाडा कोई फ्रेंड है जेड़ा रोज ही तुहाडे नाल ऐदा कर रहा है ना, तो इट मीनस मैं कहूंगी कि बच्चों की हैबिट बन जाती है,
हैबिट बन गई किसी दी तो फिर इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। जे रोज मैं लड़न वाली आदत बना ली है तो हर टाइम मैं पेरेंट ईगो स्टेट च है तो कोई भी मैं अंडरस्टैंड नहीं करेगा क्योंकि मैं रोज ही पेरेंट ईगो स्टेट च है तो आप कहने रोज ही बंदे की ईगो ही इन्नी ज्यादा दैट इज अ ईगो है ना कि मैं रोज मेरी इन्नी ज्यादा ईगो है क्योंकि मैं हमेशा ही पेरेंट ईगो स्टेट च है ना। बट देखो कि अज जो मैं लगो यार बच्चे ने सॉरी फील करती चलो कोई गल नहीं मैं कहूँगी बच्चे कोई गल नहीं अज आ जाओ दो दिन अपने हो रहे ट्रेनिंग दे तीन दिन है कल तो मैं किसी एंटर नहीं होने देना तो है ना। हम देखो सैकेंड की है हमने चली पेरेंट टू चाइल्ड चाइल्ड टू पेरेंट दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री दैट नो इश्यूज। हम सैकेंड ऑप्शन है कि बच्चा मैंने बच्चे मैं डांटिया कि टाइम है तीन बज गया जस्ट स्टे आउटसाइड। बच्चा कहते मैडम इन्ना भी कोई उत्ते है नहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है कोई अक्सर मैं बाहर प्रॉब्लम होगी मैं लेट हो गया जो देखो बोलना शुरू हो गए क्योंकि बच्चे लगे कि मेरा फ्रेंड सर्कल है सारे मेरा मजाक उड़ाएंगे मेरी इंसल्ट करती तब बच्चा भी अगो पेरेंट ईगो स्टेट च बैठा है ना। तब बच्चे ने अगो मेनू बोलता ताकि है साड़ी जेड़ी ट्रांजैक्शन है क्रॉस हो गई है हुण जिन्नी ज्यादा क्रॉस होगी प्रॉब्लम्स वधदियां जाणगियां क्योंकि बच्चे बोलन की तमीज नहीं है यह सिखाया तुहाडे गड़वासू यह चीज सिखाते हैं टीचर्स फैमिली इदा नहीं होगी तुहाडी फैमिली सब इदा ही बोलते हो मैं बच्चे की एक एक नैचुरल टेंडेंसी है कि असि अगले बंदे नूं होर हर्ट करते हैं फिर वो मैनूं होर हर्ट करेगा मैं होर हर्ट करूंगी तो देखो मैं अगला अटैक मैं उहदी फैमिली ते कीता है ना तो ट्रांजैक्शन अगेन क्रॉस तो हुण बच्चा वो टॉलरेट नहीं करेगा कि मेरी फैमिली बारे मेरे मदर फादर बारे बोल बोलिया हाउ डेयर शी तो ही विल स्टार्ट अगेन कुछ है ना। मैं इदा दे बदतमीज स्टूडेंट्स मैं कदे देखे ही नहीं है दिस इज अ लास्ट प्रोग्राम विच आई एम coordinating with you next time to I'm already bol dena ki gadwasu de students hai na te meri pameti ch enter na karan kinne nonsense hai badtmeez hai na te dekho hun oh dooji cheez main aayi si main isse mood ch I will leave the classroom hai na kyunki mainu utthe rukna mushkil hoyega I will leave the room man lo room de bahar bechara ek pn pani leke aa reha hai ki ma'am क्लास ओवर होगी मैं पानी लिया रहा सी क्योंकि साडा मैंडेट है कि रिसोर्स एक्सपर्ट आया है तो कोले पानी दा ग्लास रखा होना चाहिए कई बार बोल बोल के प्यास लगती है। मैं कहूंगी ये पानी लिया दा टाइम है 10 मिनट तो हो गए मेरी क्लास लग रही है किन्ने बार किया पानी मेरे लेक्चर शुरू होने तो पहला पिया होवे उत्थे किसी ने इत्थे काम करना नहीं आता सब बेवकूफ लोग इत्थे इकट्ठे किए हैं मिट्टी च भर के रखे सब पागल किसी जमाने के चलो अपना पानी चक के अपना जा किसी होर नूं पिला पानी तो लगूगा कि यार मेरी की गलती है ना हो सकता है वह भी मैनू कुछ बोल देवे क्योंकि सारे ऑफिस वाले खड़े हैं तो देखो पीएन है ना अपन लगता है कि पीएन तो मेरी गल सुन ही ले बट हो सकता वह भी मैनू अगर दो शब्द बोल देवे तो मेरी पेरेंट ईगो स्टेट होर एक्टिव हो जाएगी। हुण डिपेंड करता है कि किन्नी एक्टिव होंगी है ना। लैट सपोज के मैं फिर बाहर गई अपने कुलीग्स नाल लड़ी होर एक्टिव हो गई पांच बज गए हैं मैं कार ले अपनी निकल गई है ना तो आदत मैनू की लगेगा फिर क्योंकि मेरी पेरेंट ईगो स्टेट एक्टिव है तो मैनू कुछ नजर नहीं आएगा तो मैं लगातार ट्रैफिक है हॉर्न ते हॉर्न प्रेस किया है इडियट लोग है किसी नू ड्राइव करना नहीं आता पता नहीं मुंह उठाते हैं सड़क ते निकल आते हैं पता नहीं ड्राइविंग लाइसेंस इन्होंने किने दिता है ना। हो सकता है किसी च मैं ठोक भी देवा तो उस टाइम की है मेरी पेरेंट ईगो स्टेट एक्टिव है मैं ये चीज मनूंगी नहीं कि गलती मेरी है आज से कि सब दुनिया पागल है सब लोग इदा दे है सब इदा दे मिले ने इतने है ना। करती करती मैं उसे ईगो स्टेट च घर आऊंगी मैं क्या ना अपनी ऑफिस वाली चीज ऑफिस छोड़ो मैं वो जो गुस्सा मेनू क्लास छड़ देना चाहिए सी मेनू ईगो स्टेट उतार देनी चाहिए सी कि हुण मैं ऑफिस तो बाहर आ रही है ना बट मैं वो नाल कैरी कर ली रस्ते च फिर मैं घर एंटर की। हुण देखो जदों तक मेरी ईगो स्टेट शांत नहीं होगी जदों तक शांत नहीं होगी मेरी वो ईगो स्टेट एक्टिव होंगी जाऊगी मेनू सैटिस्फाई करना पाएगा घर आऊंगी घर आती एंट्री मैं जनरली वर्किंग है हसबैंड वर्किंग है तो कौन मिलता है घर मेरे मदर इन लॉ मिलते हैं मैं एंट्री से है ना तो मैं कुछ ना कुछ उन्होंने बोलूंगी तो डेफिनेटली हाउ शी विल लिसन है ना। वो मैं बोलेंगे कि बड़ी बदतमीज कुड़ी है आदत हो गई है मेरे नाल आके बकवास कर रही है मैनू बोली जा रही है तो मेरी ईगो स्टेट होर एक्टिव तो फाइनली मैनू मेरा बच्चा मिल जाएगा है ना। नाउ आई एम अ पेरेंट ही इज अ चाइल्ड He have to listen what I'm saying. तो finally की है मैं उदे थप्पड़ लगाऊंगी उन्हों बोलूंगी scold करूंगी हिलाऊंगी उन्हों उदे ते अपना गुस्सा कर दूंगी
देन फाइनली वो बेचारा रोएगा, मैनू कुछ कह नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि चाइल्ड है. तो फाइनली कितने जाके सोऊंगी, उत्ते गुस्सा कर दूंगी, मेरी ईगो स्टेट शांत होगी. ऐसे कहने ना अज मैडम आ काम करके आई है, क्योंकि सानू लगता है कि वो मैडम अपनी ईगो स्टेट कैरी करके आ रही है. ता दिस इज अ लाइफ ऑफ स्मार्ट पीपल. बहुत बार ऐसा होता है सुबह सुबह घर लड़ाई होती है, डजंट मीन के मेरी लड़ाई नहीं हो रही किसी नाल, कई बार इतने घर हो जाती है बड़े गुस्से च निकली गए. बट दिस इज अ काइंड के मैं क्या कि मैं प्रैक्टिस करते हैं, असर प्रैक्टिस करते हैं. मैं साइकोलॉजी की टीचर है तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ. मैं पता है कि आई हैव टू लीव दिस, चाहे घर किन्ने गुस्से च निकले, बट जदों तक मैं स्टेयर्स उतर के कार च बहना है, आई यूज टू नॉर्मल माई सेल्फ कि नहीं नॉर्मल है ना. नीचे मैंने कोई ड्राइवर कुछ मिलता है तो मैं बड़ा नॉर्मल आई यूज टू बिहेव. नोबडी कैन गेस कि मेरी दो मिनट पहला लड़ाई हुई है. ता द मोमेंट यू आर एंटरिंग योर ऑफिस विद अ स्माइल, बिग स्माइल, क्योंकि मेरी स्माइल है, मेरे फेस पे स्माइल है, तो हर बंदा मेनू स्माइल ना बुलाएगा, मेरे ना गल करेगा. एंड थोड़ी देर तक की है, दो पर्सन सर ना गल कर दिया, फिर हंस के गल कर दिया, नॉर्मल हो जाते हैं. कई बार असं एक दूजे नू फ्रेंड्स विच कहने ना अज बड़े गुस्से च की हो गया, है ना, क्योंकि असं उस चीज नू कैरी नहीं कर पाते, असं अपने आप नू बना नहीं पाते कि असं इस ईगो स्टेट नू छड्ड के आना है, है ना. तो जे ऑफिस कई बार हुंदा है माहौल खराब हुंदा है तो असं उस चीज नू कैरी करके चलते हैं. तो वी शुड लीव दैट थिंग, उस चीज नू उत्थे दा उत्थे छड्ड दो. दिस इज अबाउट ट्रांजैक्शंस. प्रभु जीव सिंह है ना बच्चे, तुहाडा माई कौन है. लास्ट वन इज द लाइफ पोजीशंस, है ना, अपना टाइम हो गया, दो मिनट रह गए. लाइफ पोजीशंस उन की बच्चे, जिदा मैं क्या कि जेड़ा बंदा डेली उस ईगो स्टेट च रहिंदा है, एक्टिव ही रहिंदी है, तो लाइफ पोजीशन बन जाती है. द फर्स्ट लाइफ पोजीशन इज ग्रीन वाली, आई एम ओके, यू आर ओके, हर चीज मान के चलो, मैं भी ठीक है, तुसी भी ठीक हो. कई बार साडे व्यू पॉइंट्स डिफरेंट हुंदे आ, है ना, दीज आर हैप्पी पीपल. आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, कंसीडर थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू पॉइंट आल्सो. सेकंड वन उस तो नीचे है, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, बड़ी कॉमन है, मैं ठीक है, बाकी सब गलत है. एक ये वन अप पोजीशन जो मेरी है उस तो एक ऊपर, हमेशा लोग गुस्से च रहते हैं, किसी नूं काम नहीं आता, किसी नूं समझ नहीं आती, है ना, हमेशा एक पोजीशन ऊपर रहना. मैं कहना पेरेंट, हमेशा ही मैं पेरेंट इको स्टेट च रहूंगी, तो पीपल विल यूज टू अवॉइड मी, इग्नोर मी. थर्ड है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, वन पोजीशन डाउन. जेडे लोगों च कॉन्फिडेंस नहीं होता, कहते यार मेरे तो गलती होंगी हमेशा, मेरे नाल ही ऐदा होंगे हमेशा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे नाल ही ऐदा होगा, है ना, हमेशा एक पोजिशन डाउन. बट बच्चे प्लीज, जे थोड़ी फैमिली च जा फ्रेंड सर्कल च कोई बंदा एवं का है, तो ट्राई टू रेज ओ द लैवल, थोड़ा उपर आ सके, ट्राई टू टॉक विद दैट परसन, अंडरस्टैंड दैट परसन, क्योंकि ये परसन है जो बड़ी जल्दी उस तो नीचे वाले क्वाड्रेंट च फॉल करते हैं. आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, जो बंद लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, कोई होप नहीं है, कुछ अल्टरनेटिव नहीं है. एंड ये लोग है जो इस क्वाड्रेंट थोड़ी देर तक रहते हैं तो सुसाइड कमिट करते हैं. तो सानू चाहिए कि जो भी सानू कोई पोजिशन एक डाउन नजर आता है तो ट्राई टू हेल्प दैट परसन, है ना. ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं बहुत डिटेल च नहीं लैके जाऊंगी. सो इट्स अ टिप्स फॉर गुड रिलेशनशिप्स. फर्स्ट वन इज अ स्माइल, जस्ट स्माइल, स्माइल एवरी टाइम, ठीक है. गुस्सा है तो थोड़ी देर तक छोड़ दो. देन एक पर्सन नाल लड़ाई हुई है ना, इमीजिएट यू आर सिटिंग अलोंग विद, मेरी इधर एक पर्सन नाल लड़ाई हुई है तो ओहदे नाल लड़के मैं जदों टर्न करना है, लीव दैट थिंग. वो उस पर्सन नाल हुई है, दूजे नाल नहीं हुई. कई बार दूजा बंदा कहिंदा नहीं यार तेरी ओहदे नाल लड़ाई हुई, मेरी की गलती है, मेनू क्यों बोली जा रहा है, क्योंकि असीं उस चीज नूं छड्ड नहीं पाते. जस्ट लीव दैट थिंग इमीजिएटली. चूज योर वर्ड्स केयरफुली, बी अप्रीशिएटिव. बच्चे बहुत जरूरी है, कोई बंदा अच्छा काम करता है तो प्लीज एप्रीशिएट. तुहाडी फैमिली है, पेरेंट्स है, कुछ तुहाडे लई अच्छा कर रहे हैं तो प्लीज एप्रीशिएट. डोंट से तुहाडा फर्ज सी, ये तो तुसी करना ही सी, इन्ना तो तुहानू करना ही पैना सी. प्लीज एप्रीशिएट, पे अटेंशन टू अदर्स, डिस्कस बट डोंट आर्ग्यू. आर्ग्यूमेंट नहीं करना, इट मीनस लोग समझेंगे तुसी हमेशा पेरेंट ईगो स्टेट चो, दे विल स्टार्ट इग्नोरिंग यू.
प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, ब्रिंग पीपल टूगेदर. है ना, लगता है कि ज्यादा ही लड़ाई या ज्यादा ही माहौल खराब हो रहा है, ट्राई टू ब्रिंग पीपल टूगेदर. फॉरगिव एंड फॉरगेट, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, कंट्रोल योर ईगो एंगर, कम्युनिकेट क्लियरली, ह्यूमर देम. बड़े अच्छे इवन मैं जो वर्किंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी कहनी है कि चाहे लीडर हो, चाहे कोई चीफ है, कोई डिप्टी डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर लेवल का बंदा है, प्लीज ट्राई टू क्रिएट ह्यूमर. थोड़ा मजाक करो, हसो, लोग थोड़ा लाइवली फील करन थोड़े नाल, और लोगों को लगे कि यार बंदा बड़ा लाइवली है, खुश रहन वाला है, थोड़े नाल आके कोई गल करे, कोई थानू समझे. हाँ बट ये भी नहीं कि जोकर बन के घूम रहे हो, कोई थानू सीरियसली नहीं ले रहा, बट विद टाइम हौली हौली थोड़ा थोड़ा किते किते ह्यूमर एड करने की कोशिश करो. सी इट फ्रॉम देयर साइड, डोंट कंप्लेन, ऑलवेज डोंट कंप्लेन. डिवेलप बेसिक लाइफ पोजिशन, आई एम ओके, यू आर ओके. दिस अबाउट माई लेक्चर एंड हियर इज द लास्ट गेम. मेरे को टाइम नहीं है, सो दिस गेम इज फॉर 100 पॉइंट्स. गेस द वेजिटेबल. सुप्रीत, वेरी गुड सुप्रीत. दिस इज अ पोटैटो, दिस इज अ पॉट, अ टो, दिस इज अ पोटैटो. सो दिस इज अबाउट माई सेशन. बच्चे प्लीज एनी क्वेरी, एनीथिंग यू वॉन्ट टू डिस्कस. स्टॉप शेयर, मैं देख पाऊंगा आप सबको. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, इफ वी नो सम पर्सन, वी आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ सम पर्सन हु इज ऑलवेज इन पेरेंट ईगो स्टेट, हाउ कैन वी हेल्प दैट पर्सन टू, हाउ कैन वी कन्विंस दैट पर्सन टू लिसन टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. डिपेंड करता है सामने वाले पर्सन से. If now you are always in parent ego state, ना सिर्फ मैं तो उन्हें नहीं समझा पाऊंगी जब तक तुसी उस चीज नो समझने लिए रेडी नहीं हो. ताई मैं कह रही है चीज उस चीज लिए है कि जे तुहानू लगदा है, क्योंकि मेरे को जदा देखो 200 तो ऊपर पार्टिसिपेशन है, जे तुहाडे चो किसे नू लगदा है कि मैं हमेशा गुस्से च रह रही हां जां मैं हमेशा पेरेंट ईगो स्टेट च, तो यू कैन करेक्ट यूर सेल्फ. दूजे दे केस च अपने को सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव हुंदा है कि एक दो बार असीं समझाउण दी कोशिश करदे हां, बट जे परसन नहीं समझ रहा तो अवॉइड. वो तो एक ही होंगे, क्योंकि तुसी उस परसन की ऐदा हेल्प नहीं कर सकते कि वो बंदे को, क्योंकि पेरेंट ईगो स्टेट च है, तो तुसी समझाने की कोशिश करोगे तो उन तुहानू ही गलत बोलेगा. यस मैम, थैंक यू मैम. नहीं गुड. बच्चे चैट बॉक्स कर दे. हाँ, गेम्स वाले आंसर ज्यादा है. शेयर दिस पीपीटी बच्चे, डेफिनेटली साहिल कलीर, आई डेफिनेटली शेयर दिस पीपीटी. बच्चे किसे दी कोई क्वेरी, किसे ने कुछ पूछना होए, कुछ डिस्कस करना होए? है ना, क्योंकि अदरवाइज अपनी ब्रेक है, जिन्होंने जाना है, अदरवाइज इट्स ऑलरेडी 5:19, 15:19, 3:19, right? हाँ, 3:30 अपना सेकंड सेशन है, तो जेडे जाना चाह रहे हैं प्लीज वो जा सकते हैं. आई एम हियर. जो कोई बच्चा अपनी कुछ डिस्कस करना चाह रहा है, कोई एक्सपीरियंस, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग, यू आर ओपन, यू कैन डिस्कस. है ना, बट जो जा रहे हैं प्लीज 3:30 वापस आ जाओ. अपना लास्ट सेशन है ट्रेनिंग का, देन आवर ट्रेनिंग वुड बी ओवर. हाँ, बच्चे ने एक ने लिखा, वी कॉन्स्टेंटली कंपेयर आरसेल्व विद अदर्स. बच्चे ये सब तो वड्डी प्रॉब्लम है, स्टॉप कंपेयरिंग. है ना, एंड ये चीज मैं इतना, तुसी तो चलो उस एज दे विच हो, जनरली मेरे को जिदा जेडे ऑफिसर्स आते हैं तो मेजोरिटी ओदे च उदों दे जेडे मैरिड है, तो मैं उन्होंने भी यही चीज कहनी है कि स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद अदर्स. है ना, कई बार बच्चे कहते हैं कि देखो देखो उन्होंने बच्चे ने आ चीज कर ली, है ना, उन्हें आ नहीं किया, तो हर एक बच्चे की अपनिया कैपेबिलिटीज है, अपनी कैपेसिटीज है ना, अपना एक्सपीरियंस है, तो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग. किसी बच्चे ने लिखा मैनू वेच के, मैम कई बार असं कंपेयर करते हैं, क्योंकि जिन्ना तुसी कंपेयर करोगे ना, ये चीज़ तुहानू हर्ट करेगी.
है ना, कई बच्चे मटीरियलिस्टिक चीजा नाल भी कंपेयर करते हैं कि देखो देखो ओदे कोल आ वाला फोन है मेरे कोल नहीं है, ओदे कोल आईफोन है मेनू भी चाहिए है, ओदे कोल आ कार है मेनू भी चाहिए है, ओदे कोल आ बाइक है मेनू भी चाहिए है। स्टे हैप्पी विद व्हाटएवर यू हैव, है ना। मेनू ओदे कोल मेनू कदे कोई प्रॉब्लम नहीं हुंदी एदां दी, मेरे कोल एदां दा भी टाइम हुंदा जदों मैनूं लगदा है कि मेरे कोई कन्विंस नहीं मिल रहा, आई कैन सिट ऑन रिक्शा एंड गो टू माई ऑफिस। मेरे ऑफिस वाले मैनूं बहुत बार देखिया कि मैं बाय रिक्शा आ गई हां, सो व्हाट्स द इशू, आई कैन गो बाय वॉक, व्हाट्स द इशू। दैट्स माई इंटरनल नॉलेज। जे किसी ने मेनू रिस्पैक्ट करनी है तो मेरी नॉलेज करके करेगा। जे किसी ने मेनू रिस्पैक्ट या मेरे नाल एसोसिएट इस चीज लिए होना है कि मेरे को वड्डी कार है या वड्डा फोन है या मेरे कोई बड़े अच्छे कोई कपड़े है कोई अच्छा घर है, तो आई डोंट वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विद दैट सर्कल। मेनू अपने आस पास इदा के लोग चाहिए ही नहीं है, मेनू सिर्फ वो लोग चाहिए है जो एज अ परसन मेनू वैल्यू करन कि रुपिंदर किदा दी है, जो मेरे नाल एज अ रुपिंदर ही गल कर रहे हैं, मेरे नाल बैठ रहे हैं, मेरे नाल सर्कल बना रहे हैं, वो मेरे लिए ट्रू फ्रेंड्स है। जेड़े मेरे कपड़े मेरा स्टैंडर्ड मेरी कार मेरा फोन मेरा घर बार मेरी जॉब ये चीजा देख के मेरे नाल एसोसिएट हो रहे हैं, आई डोंट नीड सच परसन अराउंड मी, क्योंकि वो मेनू नुकसान देंगे किसी दिन, फायदा नहीं देंगे। ठीक है, तो प्लीज बेटा स्टॉप कंपेयरिंग। कंपैरिजन हमेशा तुहानू हर्ट करेगा एंड तुहानू अगे वधन तो भी रोकूगा। बच्चे चैट में देखे दो तीन क्वेरी सी, आई आंसर दैट। एनीथिंग दैट यू नीड टू डिस्कस, कुछ लगता है कि जो किसी ने वैसे भी कुछ डिस्कस करना है, क्योंकि मेरे को साइकोलॉजी करके कई बार ऑफिसर आते हैं, कई बार अपने बच्चों भी लेके आ जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, असं ऐदा ही बैठे हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि असं किसी तो कोई फीस लेनी है या कुछ लेना है, असं उत्थे बैठे हैं तो कोई बंदा डिस्कस करन आंदा है, तो वी यूज टू डिस्कस, वी यूज टू हैंडल द क्वेरीज के की प्रॉब्लम आ रही है, कितना सॉल्व हो सकती है। तो किसी ने बच्चे ने वैसे भी कोई गल करनी हो कमेटी साडा 9 to 5 खुला हुंदा है मंडे टू फ्राइडे, एनी टाइम यू मे विजिट, एनी टाइम यू कैन कम, यू कैन डिस्कस कि तुहानू कोई प्रॉब्लम है कुछ डिस्कस करना चाह रहे हो। ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है बेटा, है ना। जो किसी की कोई क्वेरी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं पूछना, देयर आर न्यू मैसेजेस। कोई बच्चा पूछ रहा है कि कई बार हिडन पार्ट है जेड़ा असि हर एक नाल शेयर नहीं करते, तो बेटा दैट्स ट्रू, हर एक दी पर्सनैलिटी का कुछ हिडन पार्ट हुंदा है, ये गलत नहीं है। हिडन पार्ट असं हर एक ना शेयर नहीं करते, असं अपनी परसनैलिटी का कुछ पार्ट है जो मैं लगता है कि आ चीज मैं बाकिया नाल क्यों शेयर करा, है ना। मेरा अपने हसबैंड ना किदां दा रिलेशन है मैं सब ना क्यों शेयर करा, है ना। तो मैं अपना पार्ट हाइड करके चलूंगी, मैंने कोई बार पूछगा कहूंगी सब कुछ बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, साड़ी बड़ी बनती है बड़ी। अजकल लोग की कर रहे हैं, है ना, फेस टाइम से इंस्टाग्राम से स्नैपचैट से लोग बड़ी एक हैप्पी फैमिली टाइप जो फोटोग्राफ्स पोस्ट करते हैं। डू यू थिंक कि वो हमेशा एक हैप्पी फैमिली है? नो, इट्स नॉट ट्रू। पता नहीं, हो सकता है लड़ाई करने तो जस्ट इमीजिएट बाद उन्हें अपनी फोटो क्लिक करवाई पाती विद अ बिग स्माइल एंड अ हैप्पी फैमिली। दैट्स नॉट ट्रू ऑन द हिडन पार्ट ऑफ। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक ना डिस्कस करो, आई एम सेइंग कि कुछ लोग हैं जिहड़ा वैसे ही जिदा मैं ताई नीचे एग्जाम्पल दिती सी, जिहड़े कंटीन्यूअसली लोगों तो इनफॉर्मेशन कढ़वांदे आ, तो गेम प्लेयर्स हुंदे आ। जे तुसी अपनी परसनैलिटी का कुछ पार्ट, जे मैं नहीं दस रही सबनों कि मेरे अपने हसबैंड नाल किदां दे रिलेशन्स है, मैं तुहानू कह रही हां कि बड़ा अच्छा है बड़ा अच्छा है, मैं अपनी फैमिली बड़ी अच्छी हैंडल कर रही हूँ, इट्स नॉट ट्रू। मे बी आई एम हाइडिंग दैट, मे बी मेरी फैमिली नाल मेरे रिलेशन्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, बट डजंट मीन ओहदे नाल मैं तुहानू नुकसान नहीं दे रही। आई एम हाइडिंग दैट जस्ट फॉर माई ओन सेक, मैनू लगता है कि मेरी रिस्पैक्ट कट जाएगी। वैसे भी सब दे नाल तुसी अपनी जिन्नियां ज्यादा प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रहे हो, देयर शुड बी वन और टू परसन जो तुहाडे लॉयल है, डिस्कस करना चाहुंदा है। हर एक दे नाल तुसी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करन बैठे हो तो बेटा प्रॉब्लम्स दी नुमाइश हुंदी है, लोग उस चीज दा विद टाइम मजाक बनाना शुरू कर देंगे। कुछ चीजा जिहड़ी सानू अपने आप तक रखनिया पैंदियां है, बट तुसी कोई गेम प्लेयर नहीं हो। वह मैं हिडन परसनैलिटी सिर्फ इसलिए डिस्कस कीती सी कि जेड़े लोग गेम प्लेयर्स है उन्होंने अवॉइड करो। हो सकता थानू पूछ रहे कि तुसी केड़े कोर्स जा रहे हो, की कर रहे हो, केड़े टेस्ट जा रहे हो, बट खुद अपना नहीं दस रहे, असं फिर उन्होंने इग्नोर करते हैं।
है ना कि जेड़ा तुहाडा कोई अपना फ्रेंड सर्कल है इदां दीआं चीज़ां हाइड नहीं करो कुछ भी हाँ एक बच्चा लिख रहा है कि जिहड़े बच्चे MBBS वगैरह जाना चाहते सी बट गढ़वासू च आ गया I understand बच्चे social pressure बहुत ज्यादा होंदा है बहुत ज्यादा इत तुहाडा तो वैसे तुहाडा लैवल इदां दा है जिदा अगेन मैं बार बार एग्जाम्पल दे रही हूँ अपनी फैमिली की अपने बच्चे की तो मेरा बच्चा ही इज इन सैकेंड स्टैंडर्ड एंड मदरस का ग्रुप है अज एक छोटा जा कॉम्पीटिशन होंगे तो मदर यूज टू आस्क कौन फर्स्ट आया कौन सैकेंड आया कौन थर्ड आया है ना मैं अपने बच्चे को कदे नहीं पूछा कि बेटा तू फर्स्ट आया है कि सैकेंड आया कि थर्ड आया क्यों यार दो साल का इन्ना छोटा जा बच्चा है क्यों वो इन्ना प्रैशर मैं हूं ही पा दूँ लगे कि मैं फर्स्ट नहीं आऊंगा तो पता नहीं घर की हंगामा हो जाएगा मैं उन्हें इदा के फालतू के कॉम्पीटिशन नहीं पाना चाहती तो बच्चे जेडे रैलेटिव जेडे आंढ गुआंढ वाले फ्रेंड सर्कल चो किसी मदर फादर जेडे कंपेयर कर रहे हैं ना दिस इज अ टाइम वैन यू कैन अंडरस्टैंड के परसन थोड़ा अपना है कि नहीं है ना जे अज देखो कि थोड़ा कोई ब्रदर सिस्टर है लैट सपोज के थोड़ा अपना जिन्हें तुम बहुत केयर करते हो तो एक बेस्ट फ्रेंड है जेड़ा नहीं आ पाया किसी भी कॉम्पीटिशन एग्जाम च मान लो मेरा कोई फ्रेंड है जिन्हें IAS की तैयारी करनी सी रह गया तो की मैं उन्हें क्रिटिसाइज करूंगी कि वो बड़ा बुरा होया है ना तेरे नाल तो ऐदा नहीं होना चाहिए सी हुण की करेगा मैं वेल विशर है आई अंडरस्टैंड फिर की हो गया तू टेंशन नहीं लेनी फिर की हो गया ऐदा भी तो होंगे एंड बच्चे हाउ कैन यू से कुछ बच्चे मैं उस दिन भी देख रहे हैं कि MBBS जाना चाहते सी बट ए आ गए यू शुड फील लकी एटलीस्ट आ तो गए ना किसी तक लिस्ट तुहाडा नाम आया कुछ अच्छी क्वालिफिकेशन तुसी लै रहे हो एक अच्छी यूनिवर्सिटी तो लै रहे हो इन्नी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है MBBS करके भी तो लोगों की बेटा एजुकेशन खत्म ही नहीं होंगी जाई जाते मैं डिसकरेज नहीं कर रही जे कोई बहुत ज्यादा उस इन है तो ठीक है यू हैव अ चांस फर्स्ट ईयर है तो दोबारा तैयारी करके यू कैन ट्राई बट आई विल से कि प्लीज उस चीज नु इन्ना पर्सनल ना लो कि तुसी अपने आप नु हर्ट करो स्टे हैप्पी एटलीस्ट यू हैव समथिंग है ना कुछ अच्छी चीज तुहानु मिली है बट हुण जेड़ी चीज आ गए हो ना फोकस ऑन दैट मैंने एक बार किसी ने पूछा सी कि मैम मैं ना किसी ऑफिसर ने कि मेरा बच्चा ना प्लस टू कर रहा है एंड मैं दसो कि मैं केड़ी स्ट्रीम च पावां अजकल केड़ी चीज का ज्यादा ट्रेंड है केड़ी चीज का ज्यादा स्कोप है मैं थोड़ी परेशान भी हुई क्योंकि बंदे ने तो पूछ लिया कि मैडम किसी अच्छी पोस्ट से बैठे है अच्छे इधरों उधरों इन्हों नॉलेज होगी तो मैं अपने मन सोचा कि मैं की गाइड करा मैंने एक्चुअली नहीं सी आइडिया कि मैं इस चीज वाल भी किसी गाइड कर सकती हाँ कि अगर करियर केड़ा लो तो मैं या मैंने सर मेरे हिसाब न तो यह है कि बच्चे पूछो किड़े पासे जाना चाहते हैं साडे तो देश च अजकल टैलेंट की कमी है तुम बच्चा जे आर्ट्स भी कर रहा तो बच्चे को जो करना है फोकस करके मन लगा के करे एंड की साडे को हिस्ट्री के टीचर्स बहुत अच्छे है पोलिटिकल साइंस के टीचर्स बहुत अच्छे है पंजाबी के टीचर्स बहुत अच्छे है हिंदी के इंग्लिश के जे किसी ने आर्ट्स में भी कोई सबजैक्ट लेना है तो किन्ना क टैलेंट है साडे को तो मेरे हिसाब न जेड़ा बंदा अपनी जान लगा के किसी भी स्ट्रीम च वड़ जूगा ना देयर इज अ प्लेंटी ऑफ स्कोप किसी स्कोप की कमी नहीं है सेम विद द वेटनरी फील्ड किसी चीज की कमी नहीं है साडा वैसे ही अजकल जितने फार्मर्स अवेयर हो रहे हैं अपना काम शुरू कर रहे हैं अपने नाल अपने एक्सपर्ट्स जुड़ चुके अगे बच्चे मैं तुहाडे पढ़ रही हूँ कमेंट्स मैं आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज बट तुसी मैनू कमेटी आके भी मिल सकते हो आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर अपने नाल मैडम आ चुके ने डॉक्टर प्रैटी पल्ला वेलकम मैम गुड आफ्टरनून मैम तुहाडी आवाज नहीं आ रही मैनू वॉइस इज नॉट ऑडिबल यस 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 नाउ इट्स ऑडिबल मैम It is audible. Like I just have to. It is okay now. Yes, ma'am. It's okay now. It's audible. I was listening to your insights towards the thing, and that was really wonderful. It is like onto this big platform. A great work done, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. So, ma'am, apne na students actually as time na 3:15 to 3:30 na break si 15 minutes si. मैक्सिमम स्टूडेंट्स विच ही जुड़े हुए हैं जो गए नहीं है बट कुछ क्या क्योंकि इनकी पार्टिसिपेशन 200 प्लस सी तो कुछ है जो 15 मिनट लिए चले गए हैं बट जहां तक आप स्टार्ट कर देने हैं है ना दे विल जॉइन
क्योंकि ऑलरेडी 3:30 हो चुके हैं. ओके 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 स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट सेशन किसी के अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम का लास्ट सेशन है जेरा अपने नाल डॉक्टर प्रेटी पल्ला. शी इज एसोसिएट प्रोफेसर इन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड शी इज अ वंडरफुल एक्सपर्ट. एंड मैम का जो टॉपिक है मैं पहले दिन भी गल की थी कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है दैट इज अ हैप्पी चूड. तो मैम अपने ना पहला गल करेंगे कि व्हाट्स दिस हैप्पी चूड कितों आया है एंड हाउ वी कैन एक्सेल दैट. क्योंकि साड़ी अजकल मैं पहला भी कहा कि इस जनरेशन साड़ी कुछ प्रॉब्लम है सानू जिन्निया ज्यादा फैसिलिटीज मिलनिया शुरू हो गई है साड़ी हैप्पीनेस कितना कितने उन्नी ज्यादा घट गई है. एंड सेम थिंग मैं सिर्फ थानू ब्लेम नहीं सी कर रही मैं कहा कि जी उस तो अगली जनरेशन है जो साड़े बच्चे है वो इस तो भी नेक्स्ट स्टेप अगे है उन्होंने असं कुछ होर एक्सट्रा फैसिलिटीज देने की कोशिश कर रहे हैं बट हैप्पीनेस की जगह असं उनकी परेशानी बाय कर रहे हैं पता नहीं किदा. सो इवन मैं भी सुनना चाहूंगी कि बच्चों नू अपने अगले के किदा हाउ वी कैन बाय दिस हैप्पीनेस नाउ. सो वेलकम मैम. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. So, here on the... Ma'am, shayar likhe tha, jehdi thane pehla gal kahi thi. Ma'am. Ha, bache tadi na, awaaz aani band hogi, main tada pura sunya nahi. Ha. Ma'am, jehdi ki thane pehla gal nahi kahi thi, main is tarah pehchan de, maine us de upar ik shayar de likhe hai. Idhar se kapdon ko mehkana koi badi baat nahi. Idhar se kapdon ko महकाना कोई बड़ी बात नहीं मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए. क्या बात है बच्चे वंडरफुल वेरी गुड आई पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशन दो लाइन च कंक्लूड करता दैट्स अ वंडरफुल बच्चे कीप राइटिंग है ना ये चीजें जो तुम अंदरों वाकई चीजें हैप्पीनेस दिंदियां ने. ओके मैम प्लीज कंटिन्यू. मिल जाते हैं रास्ते अगर चलने का जज्बा हो मंजिल चूमती है कदम अगर आपके पाने का हौसला हो. हमें आपका सेशन रखना पड़ेगा आपने हमारा प्रोग्राम कंक्लूड कर दिया पूरी तरह से. आपके शेयर में मैडम के लेक्चर के बाद एक बार जरूर लूंगी क्योंकि हमारा कंक्लूडिंग है उसके बाद तो आई वुड नीड दैट. ओके प्रीति मैम. Okay, dear. Okay, thank you. And a wonderful like share by Danish. I think it is like Muhammad Danish was coming up with the words. So wonderful, put it into a very small words and a wonderfully represented things. So good afternoon, good evening, everybody. I expect thank everybody you, fit enough fine. And let's talk about a very important aspect of our personality, happitude. So what is this happitude made up of? Like onto the screen we can very well see what is happitude. It means happiness and attitude. Do we actually have an attitude of happiness? We always say keep the attitude as positive. Hamesha positive socho, positive dekho aur positive karo. If somebody is doing bad to you also, then be also like with a positive attitude, forget the things and move ahead. But in actual, while dealing with our own life, while dealing with the daily situations, everyday situation, everyday choices, and everyday aspect, are we actually having a happiness inculcated in our attitude? That is the existence of life. The real existence of life is what? Is it like sitting on a heap of money? Or is it always like traveling in an aeroplane? What exactly is the real existence of life? Isn't it to have a peace and a happy atmosphere around you? Wherever you go, wherever you are blessed with peace. Am I right, students? Ki lagda hai, theek keh rahi hain? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Exactly. This is what exactly is the real essence. And like if we talk about the today's scenario, what Rupinder ma'am was also talking of, we have put ourselves into a rat race. Rat race ki eda nyana ki karda hai te oda nyana ki karega te main ki karungi te main kidda paise zyada kamane ne te main lokan nu ki dikhana hai te mere kol ki hai da. Exactly what has turned up, we have turned up into an environment that is full of competition, and in this competition sometimes or rather maximum of the time the real me is lost. Chota jya nyana hai 5 saalan da 7 saalan da 8 saalan da, we have put them into competition. And competition ki hai, tu agge hai ke dooja bachcha agge hai, isme kya hua, what has actually impacted?
impact is onto our personality. The personality says that I would be happy, I would be satisfied only if I am onto the top level. What if I am not onto a top level? Un class to teach wagne. There are like 30 to 40 students in a class. Everybody cannot be onto the number one. But that means, would the rest of the students be like sad enough? So before I begin up with the session, let me tell you a story. Aaj main sware jab lovely ja rahi si. So like it was a story that I had a little time and I spent a little time with like the environment and process. So what I found was like, it was like I just took a picture from somewhere, but the story is real. So mere ghar de lagi na construction chaldi pi hai. The construction is a big construction, matlab kafi vadda ghar banda pya hai te chote chote jawab bhi hai ke nahi, they are like playing off. Maa pyo kaam karde pe ne te de, some are playing. So these kids are playing and what they frame is ke nyanya kol hor to game hai ki nahi, ik dooje di shirt phad ke train banande ne. Chote utte tusi vi kitta hona hai wala kaam ke ik agge dooja teeja chautha train bana ke tusi chalde pe ho. So what happened, it was every time train bana ke khelde ne, roz khelde ne te matlab koi engine ban janda hai, koi dabbe ban jande, wari wari sir ke main engine sab to agge jaunga, jithe main jaunga baki jaan ke, te engine banan di like it was a competition among his name to become an engine. But ek bachcha he was always a guard. Maine kaha like I just asked the child ki tu tera dil nahi karta ki tu bhi engine bane ya dabbe bane, tujhe sare log side pe khada kar dete hain guard bana ke kyun. And that child come up with a thing that he has a problem in a leg, that he cannot run. And if he cannot run, what would happen to the train? And he said, I'm very happy, at least main khelda paya na. Pehla to mainu koi khidanda hi nahi si, hun main khelda paya na. Is karke, auntie, I'm very happy. Ki, matlab in a word, main khush haan ki mainu at least khida rahe ne. Did you find an attitude of positivity, an attitude of happiness in that child? It is a real story. See, this is what, whenever we as parents or we as people, we are given a lot number of opportunity, lot number of things, our parents are buying, our relatives are buying, and we are given the capacity, what is happening? Hamari happiness down hoti ja rahi hai. Pehla mainu yaad hai ki jab navi navi Maggi aayi si, Sunday de din Maggi khana was like a wow, okay, Sunday da din moja karniyan ne. And now it is on to an everyday basis, because edi ki ho gaya, it is like every day every things are going ahead. What is the real sense is? Real sense is that we should enjoy what we have, irrespective of the things what we do not have. And what is happening as and when we have a capacity to buy more, our happiness is decreasing, not increasing. Hamare Vedas mein bhi likha gaya hai, je tusi daulat ikatthe karde pe ho na, 100 hathan naal, 1000 hathan naal vando, den wala hamesha khush rehnda hai. Okay, now the voice is perfectly well. So what exactly the story meant? It's the story is a simple that we should even learn from the kids. Bachyanu tusi chhaddo na, matlab take an example, tusi 10 mandar bachche hege ne, koi Afghanistan da, koi Iraq da, koi America da, koi China da, koi Australia da, ina sare jawakan nu tusi ikatthe ik kamre ch bitha doge na, language ik dooje di nahi aaugi, but they would create a game for their own self. They would create a game for their own self. How? Because the real essence of living and happiness is togetherness. And how they create? Might be they do not talk, but they invent a game. They would invent a game. Would they or not? When you were also kids and you were into a new class, kise da naam pata na hove, kuch nahi hai, but hass ke khedna aanda si ka. But jidda jidda assi vadde hoi ja rahe hain, because we are instilled with the thought process of competition and with ego and jealous and being the best, what is happening? Our approach towards life has changed. We are not the first one to introduce each other. We are not the first one to talk to each other. Why? Because that negative attitude has seeped into our happiness level. And what has happened? It has resulted in a negative aspect. So what we have to create? We have to create happiness that have a positive impact and that leads to a happy life ahead. So let's move on. If I would really say and put it into a simple frame, it is happiness depends upon our attitude. It is not how much money we have.
It is not what our parents are doing. It is not how big the car is. What happens is how blessed I feel. How gratitude filled I feel. I feel, yes, I have hands, I have eyes, I have legs, I can do anything. And we have seen the history. There are numerous people, irrespective of the negative conditions at their places, houses, and with their life, they have rose to the best level. Yes, we have seen or not. Everybody, jitne bhi bache yahan pe baithe honge, sabko pata hai. The world is full of example. Ke kakh to utte pahunch gaya banda. Kitna? Just because of a positive attitude of always doing the things and being happy in whatever conditions we are. Do hi chijan ho sakdiyan ne. Ek situation ji aayi hai, ya onu has ke saar lo, ya onu has ke ode wal nu, like to handle it well, we can move towards that. Or another situation can be like, I can keep on crying for the entire life. Oh my goodness, why it happened to me? Why I'm born in a poor family? Why do not I have an opportunity? Or I can create an opportunity for myself. So what it means? It is, you can either be happy with everything or we can sulk with everything. That means what? It is my choice, my attitude, how to respond to a situation. Situation is the same, but what matters is my reaction towards it. So sometimes it is like 95% is like the situation, or what matters is my reaction. Sometimes it is a very common saying, like for example, it is me, Dr. Pretty Bhalla. Okay, like I just take my example. Like I'm blessed with two daughters. So sometimes like when I am exerted with the work and main kitchen ch roti bana rahi hai, te meri kudi mere ch aake vaji hai. The roti gir gayi. Like imagine I'm handling a plate and I'm coming out of the kitchen and my daughter came and she banged into me. What would happen? The plate would spill over and main ki karungi. Definitely as being mother, tenu disna nahi, akha nahi hai gian. Tenu disna nahi siga ke roti sari sutti hai. Hun main college vich aan. Main class to aa rahi hai, bachcha dooje passe aa rahi hai. Mere ch vajya te mera laptop gir gaya. What would I do? Would I come up with the same negative statements, or I would say it's okay beta, just be more careful next time? Definitely I would be like, it's okay, hope the things are perfectly well, but be careful next time. But I would scold more to my own daughter. Why this happens? It is again, see the scenario. What is the scenario? Asi ki karte hain, like what we are actually doing, we are actually trying to please the world around us. Jo saate kuch nahi lagde, we are trying to please them with the perfect of the sense. With the perfect of the sense, so that they think that we are the best. But what is happening? We are bothering the people who are our own. So we need to stop it. We need to create an attitude where we should put ourselves first, our family first, and our people first, so that the things are very positive for our own self as well. So, Rupinda ma'am, is there any feasibility that I can show this video to the students? Can you help me out? Play karoge to chal jayegi. Okay, and the people would be able to listen it too? Yes, ma'am. Okay, let me see. Ek baar try karo. We can check. Okay. Side to play ho rahe? Nahin, I don't think so. It is getting played. Let me see if I can share the link and then play it well again.
No, I don't think so. It is like there is a possibility of doing the same. So I think that has to be like, it's fair enough. I would be sharing the same with the rest of the students, but like, so yes, so this is a wonderful video that was actually talking of the diversity. It was talking of like the love has to be not just because of like the same gender or the same country, the same culture, but it has to be from soul to soul. So it was a beautiful video. Might be I would be sharing the same. So like if we talk about like the happiness that comes into being, that has its deep seated in the philosophical, psychological, and neuroscientificism. It is philosophical because it is talking of the abstract things. See, it is philosophical because the definition of happiness varies from individual to individual. It is not the same with everybody. It is not the same. Like what happiness is to me might not be the happiness to you. What is like the success to me might not be the success to others. So what exactly is it? It is like a philosophical inquiry. Next is a psychological research. It is like it is based upon the psychology that it has varied models, how it present or why there is an experimentation and how the people react, behave and develop the things. And finally, we will talk of a neuroscientific assess that it has a good correlation with the genes incorporated. Ki kehnde ne ke like there the 50% of the happiness is from the family itself. Kinna ko main khush rehni hai ya kinna ko main dukhi rehni hai, 50% depends upon the genes that I am inheriting. This is a new study that has recently been done. Pehla ki siga innu kehnde si psychological this like psychological and philosophical baatein hain ki khush rehna baatein karni, but nowadays what has happened, we have actually proven that it is basically based upon the genes as well, how we deal and react with the situation. So let me tell you a story, one more story. So the story goes like this. So there was a person named Rahul. So this Rahul was a boy like you, like a young and an innocent child who was always worried about the future. ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਜੇ ਹੁਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ. ਲਾਈਕ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੈਵਰ ਇਨ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ. ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ. ਵਟ ਵਾਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੈਵਰ ਇਨ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ. ਦੇ ਨਾਲੇ ਨਾਓ ਵੀ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਇਨ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਵਟ ਹੈਪਨਸ? What happens when you are not in a present, you are not focusing on present, that means what, you are losing a wide things, what is present is required. Like madam ki samjha rahi hai, oh tuhanu pata hi nahi hoega, tuhanu agla tuhanu zyada tension pe jugi te ajj da kaam nahi hoega te kal da ta definitely kharab hoega. So what is happening, it was happening that he was losing all the things. So ek din hai Rahul, he was like from his home he started moving towards his school. So he was a 6th standard boy, he started moving towards his school. Karo niklya the raste vich, like it was a wide like a small sa, usme na kheton mein se nikalta tha, to kheton mein se nikal raha tha to wahan pe ek butterfly si thi jo na adi si padi thi chadiyan de vich, adi payi si to unne chadiyan ji kholiyan te butterfly nikal gayi, usme se ek pari aa gayi. It is just a story, understand it. Chadiyan side te kitni pari aa gayi te pari ne ki kiya, pari ne kiya tuhade kol na main tenu aashirwad dinni aa, eh tere kol jadoo di chadi hai. Like this is a magic wand, and as and when you would rotate this wand, you would move to the next years of your life, next years of your life. So what he did, वो कहता thank you, बड़ा खुश होया कि अच्छा पता नहीं पहला था विश्वास जो है नहीं होया कि काम करूँगी कि नहीं करूँगी. उन्हें की किता उन्हें जादू दी चढ़ी चक्की ते चला गया स्कूल. स्कूल गया ते definitely present में तो था ही नहीं, present में वो रहता नहीं था, तो क्या हुआ कि उसका काम नहीं पूरा हुआ हुआ था, तो मैडम उसको डांट रही थी. मैडम ने जैसे ही उसको डांटा, उसने क्या किया, मैजिक वैंड को हिलाया. मैजिक वैंड को जैसे ही हिलाया तो उसको देखा कि अब वो शाम को रिलैक्स कर रहा है, अपनी मम्मी के पास है और समोसे खा रहा है, कि मम्मी उन्हें कह रही है पुत्र तू समोसे खा ला फिर खेडन चला जा. बड़ा खुश होया, ओ ए तो बहुत ही वधिया गल होगी, अज ते मैं वो कर रहा हूँ.
फिर वो समोसे समोसे खा के खेल के वापस आया तो बहुत लेट होगी, बहुत लेट होगी। तो उसके पापा घर आ गए तो पता था पापा ने डांटना है, बड़ा घबरा गया। उन्हें फिर जादू की छड़ी चलाई, बहुत जोर दी चलाती, तो उन्हें देखा सिक्स तो सीधा टेंथ च है तो वो क्लास का टॉपर है। वो बड़ा खुश, ओ माई गुडनेस मैं तो टॉपर हो गया, बड़ा खुश होया कि मैं टॉपर हाँ, तो लाइक एवरीबडी इज प्रेजिंग मी। तो फिर वो कहता कि मैं नेक्स्ट भी देखूँ क्या करता हूँ। नेक्स्ट उसने हिलाया तो वो देखता है वो डॉक्टर बना हुआ है। फिर वो नेक्स्ट हिलाता है, वो देखता है उसका इतना बड़ा हॉस्पिटल, चार पांच नर्सां, एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ उसके साथ है, तो बच्चे भी आओ। कहता वाह यार क्या जिंदगी है, चार पांच गड्डियां मेरे को, इन्ना वड्डा घर, तो एवरीथिंग। वो कहता फिर चला के देखता है, फिर चला के देखता है क्या करता है, बहुत ही प्लेशियस घर में वो रह रहा है, गार्डन ही गार्डन है, छे को गार्डन वो घर के सके, तो बैठा आराम नाल, बुढ़ा होया होया हिल सकता नहीं, बट पैसा बहुत है। दसो वे मैनू की लूज किया इस बच्चे ने, राहुल ने, व्हाट ही लॉस्ट इन हिज लाइफ। म्यूट से हो गया था ऑडियो। डॉक्टर प्रीति, यस डियर, आई एम नॉट ऑडिबल। यस मैम, एक्चुअली आई थिंक तुम्हारा ना म्यूट हो गया सी। ओके 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 ओके, नाउ आई थिंक इट इज ओके। यस मैम, यस। सो लेट मी सी द चैट्स। He lost his present moments, he lost his time, his life experiences. Yes, I've read the story. Yes, Samriddhi, you have read the story. Yes, ma'am, ma'am, it's working, please. Okay, it is working. I would resend the, yes, okay. Perfect. So what he lost? He actually lost his life. Don't you think so? What he lost? He actually lost the little happiness of every day, fighting with your friends, finding a girlfriend for your own self, having a fight with the girlfriend, having like efforts to win a like or marry a girl, having kids. What exactly he lost? He lost all the beauties of might be certain efforts to achieve the next success. Happiness is not always reaching to the ultimate top, rather it is the doing the efforts that are required to reach the top. So what exactly he lost? He lost everything. Why? Because his attitude was not to live the current, rather his attitude was always worried for the future. Imagine sadi the education system which he system chalda paya, don't you think so? Our education system teaches us to be more competitive. Moral science chote hunde karai jandi hai tuhanu. And what this moral science is all about, it is end of the story. Moral means cheating na karo, eh na karo. But koi bhi moral hai nahi rehanda, hamesha khush raho. Don't you think so? It is happy people always gets the best thing out. Jinne tusi khush rehnde ho, unni cheezan tuhanu zyada mildiyan ne. Nowadays, this is what is an aspect that has a much more grounding, because we have seen even in the lockdown period number of suicides. Number of suicides. Yes, exactly. He missed the journey to be happy destination. Exactly. He does not achieve in life. Yeah, exactly. Yes, you are perfectly right, kids. So why the suicides? Like imagine the suicides from a 10th standard, sometimes 8th standard. And what is happening? The happening is even after being educated, 10th tak tusi pad chuke ho, fir bhi tuhanu ek basic life skill nahi pata lagda ki achieving is not happiness, moving in a progress is a happiness. How we deal up the situation is what exactly is the scenario. And this is what, like, again, I was listening to the earlier chat, what you was talking to Rupinder ma'am as well. Some people wanted to be doctors and they are not in a swimmer. Similarly, the aspect is similar. There are numerous people who want to be something, but they do not land up. But does that mean life is an end? Or it means a new journey has been created into which we can be the gardeners of our own life. We are the gardeners of our own life means what? Jidhaan si karnu sa jaan vaste sab to best full kathe karde hai. Sab se best like chadra, towels, everything we are finding out to create it best. Similarly, why we cannot create the journey to be the best? Choose the best people we have around us.
now we should be much aware what the other people are, what is their attitude, and based upon that we should choose the friends, we should choose what to do and how to react. Same situation Loki differently react kar dene, because why? Because they have a different attitude. So now if it is my life, why cannot I be choosing the best thing for my own life? So quickly, I want everybody to do this activity. Sare mere naal ho, everybody would be doing this activity. Let me see the chat, or you can put on your mic and go ahead. Quickly, sare bachche utho, go to the next person who is with you in your family, might be your father, mother, younger brother, or somebody. Go and say thank you. Just think what they have done for you. Go hug them, or just like shake hands, or whatever you want to, and say thank you to them. Go ahead. Let me see the experience. Would it make you happy or not? Quickly, let me see that the people are running and going ahead. So, are you going? I really want, like, what is the expression of your parents, mothers, fathers? I really would like to hear it. So quickly, Ayush, Dipender, Naman, everybody. They started laughing. Okay, you have already done it. Amlik, ha ha ha. So everybody should do it. Yes, yes ma'am. Oh, bad. Dr. Sahil Goyal, you do not have anybody in your life. So call up your friend or call up anybody like whom you talk to and say why you are gratitude filled. Beta, like, understand one thing. If you're putting one word as a positive to others, there would be numerous of positive words to you, and that is what is gonna increase your happiness level. Yes, quickly, let me hear. When I did this activity, I was very young. Main apni mummy nu jaffi paayi si te, my mother was saying, tera dimag kharab ho gaya, padhdi padhdi tenu ki ho gaya. So me and mom both are smiling. Yes, so you should put up the words love you mom and thank you for everything. Thank you for everything. Create this thing. Yes, he started. He's like to set. Kamalpreet Singh, ha, can I see? Ha, yes, I am set. Yes, started smiling. So this is just an activity we have done, but rather it should be an aspect of our life. Imagine just for a moment if we are saying thank you to others for their good deeds, for the numerous things that we do not do. Like for example, it is our youngsters, or we never say love you mom or love you dad, but it is something as like understood. But sometimes to the people around you whom you want them to be in your life, you say them, you have to repeat it. Why? Because ultimately ki hai gai? Like the people who are your own, they would remain your own. Rather, just bringing a smile onto their face or being gratitude filled is the most important thing. Okay, another activity, let's do it. Let me see the people. Tell me why you feel you are blessed, the reasons that you feel you are blessed. Quickly, let me see in the chat box. Anybody can put your mic as well and tell me why you think you are blessed, the reasons of your blessings. The reasons of your blessings, quickly. And how many of you actually feel I am blessed? Please, every time feel you are blessed. We are blessed to that aspect of our life that we have everything around. We have our brains, we have our eyes, we have our hands, we can do numerous of the things. Because of my parents, I am blessed. Perfectly amazing friends, because God is always with me. Yes, perfect. So Preet Kaur, that's wonderful. For whatever I have, exactly. So whatever I have, blessed to attend. Kamalpreet, blessed to attend this webinar. That's funny, because I have a lovely family, because all my senses are working. Very true. All your senses are working. Let me see more. What exactly is the blessing to you? Being alive, having roof over my head, having food in my plate, basically. Oh, exactly. Very true. Very, very, very true. We are blessed. So if we are blessed, and if we know we are blessed, what makes us sad? What makes us think that we
we are onto a wrong footing. And what makes us use the shortcuts? And what makes us feel bad about certain situations and the things, all the situations that are coming would go off. Din hai ta raat bhi hoegi, raat hai ta din bhi hoega. That means what? If negative phase of a life is there, positive is definitely gonna come over. But what matters is my attitude, how I moved or how I move through that phase of my life. That is the most important thing. And the most important thing is, see, jinne bhi bachya ne likhya hai, जिन्ने भी बच्चियां ने लिखा है, we have talked of our family, and that is the most important aspect. जिस age से बच्चा तुसी हैगे हो ना, the most important aspect is sometimes we feel that we are blessed with the family, but we do not actually listen to them, believe them. We are much more diverted towards outside life. What others would say, what others would believe, how they would respond, how would they react. But seeing this chat, I am finding it wonderfully well, wonderfully, like the youth of our country is actually devoted towards a family. And this is what is the main aspect, how we live our life. I'm grateful for everything God gives me, either happy times or difficult times. I'm really blessed to have them both, because without the difficult times, I won't find, oh yes, exactly, this is what. Exactly. जे हमेशा रात रहंदी तो सवेर का पता नहीं लगना सी, जे हमेशा सवेर रहंदी तो रात का पता नहीं लगना सी. दोनों चीज़ा मिलनगे, सुख दुख मिलनगे, तदे पता लगूगा सुख हैगा की है. This is what we were saying in the starting as well. When a child is blessed with almost everything, सारा कुछ बच्चे नू मिली जांदा है, तो की हुंदा है, ओदी worth और ओदी approach towards like how to deal up the life becomes like negative. So wonderfully discussed by you. So I would really say this is what is the crux. Happiness and unhappiness are the states of mind. Therefore, the real cause cannot be found outside ourselves. Kuch bhi bar nahi hai, sade andar hi hai. Je main khush rehna chahni hai, the same situation which khush hon de 100 reasons find kar lungi. Je main dukhi hona hai, the same situation which dukhi hon de 100 situations lab lagi. Like for example, if I talk about the current pandemic. Current pandemic has actually brought a lot of negativities to the people. But don't you think so? It has actually made them realize the worth of the family, realize the worth of slow down, realize the worth that exactly if you are taking everything away from the nature, nature has a strong ruling over you. And this is where the numerous people have started up numerous new businesses as well. They have explored themselves. They have moved to their next level of the potentials. कई बार होता ना कि teacher बड़ी सख्त है, हमेशा ही घट्ट number दिंदी है. ओ तो number लैन वास्ते असीं ज़्यादा मेहनत करते हैं. That means what? We have moved from level 1 to level 2. गुस्सा कहते सीगा teacher ते की लगता सी number नहीं देने. But what happened? It is that we have exerted more and we have moved to the next level. And moving to the next level is what exactly is like an attitude, a positive attitude that says that I would be winning regardless of the people and situations or circumstances. This is what exactly is happiness all about. Now, this is I was talking of. Jinna, if I am a gardener, what I would do? I would bring the best kind of the seeds, best kind of like a fertilizers that would groom my garden, that would come up with like good fragrance, different colors. Similarly, if my life, my mind and my heart is a garden, what should I do? Main hamesha och jealousy paawa, negativity paawa, ego problem leke aawa, koi vadda hai ta onu dekh ke sada, ya should I be like bring it with this thing? Oh wow, I'm happy for you, one day I will also succeed, please help me out with it. Ego side the source, networking, happy with the happy people, trying to overcome all the negativities and going ahead. So what it means, I am like a gardener of my own life, my own attitude or own blessings. Sometimes we say that we have failed in one aspect, but might be failing was the best thing because that made me work with a double hard efforts and move to the top. Quitting is not a solution. Quitting is not a solution. Please understand over here. If a negative situation comes, the positive is about to come if you would put efforts. But itna nahi hunda ki main negative situation aaye te bhai guru da naam le liya te appe paar ho jawange. Nahi, we need to work about it. That is what is an attitude that says that accept the things but with a positive frame move to the next level, achieve the right thing. So we have to insource
इन सोर्स लेके आनी है हैप्पीनेस है तो आउटसोर्स करनी है अनहैप्पीनेस. सो वी डोंट हैव टू ब्लेम पीपल, वी डोंट हैव टू ब्लेम सर्कमस्टांसेस, रेदर इट डिपेंड्स अपॉन अस ओनली दैट वी नीड टू मूव फ्रॉम वन लेवल टू अनदर हाउ वी आर. सो वी नीड टू कल्टिवेट द सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस इनसाइड अस एंड द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग दीज रिसोर्सेज इज by counting your blessings. Count your blessings, count your blessings, how blessed you are. You got up healthy, wealthy, you have a cozy bed, you have like everything that is required. There are numerous peoples like by the roadsides, by numerous other respect, and there are numerous people who are into lavish families as well, but they do not have the people to talk to. So mind it, like sometimes it happens as and when you move towards a top level of your life, you do not get the real people around you. So as for you people, what is like, let me see, there is a chat. Yes, exactly, Navleen. It is what, like, we should believe in ourselves, and unnecessary expectations is what is like that makes us go bad. Exactly. So now as for the student's life, so what is happiness? The happiness can be, if I'm very much academic smart, I'm career smart, or I'm happy smart. What is academic smart? Academic smart is that when I'm focusing exactly all the energies towards doing the best work and doing the best work and going ahead with the right kind of the career opportunities or activities. Career smart is when I know what is the right decision for me. Like, for example, there are numerous people who want to be doctors, but then they realize there are numerous of the doctors around, and the number of years that lead in becoming doctors, and when there is a stagnation into the same field, and then there is an effort. So what exactly is career smart is, again, like, why not to do something exclusive? Might be something doing into the history, archaeologist. Might be something out of the way that is not at present done, and that would actually have the bright opportunities in the future. See how long we are gonna talk about the traditional courses. The more the traditional courses, what would happen? We would land up doing the same. That is the reason why we require, why we ask students to keep updating yourself with number of webinars and seminars and online certification, so that they become career smart. They know what exactly is the roadmap, how to move on. Who are happy smart? Happy smart are all those individuals who have the sum total of academic, career, and happiness as well. So they know what academics require, what their future requires, and how to deal with an everyday situation, so that they are making memories also, and they're doing the aspect that would lead them towards the future orientation. So these are the three types of the smart people. Academic smart are just focusing on to the studies. Career smarts are not on to the current level, but to the future. Happy smarts are that are inculcating both the aspect today and future, and moving ahead with the work. So if I say about it, like, for example, I always say happiness is like a balloon. Can anybody tell me happiness balloon kyun hai? Like, how can I compare a happiness with a balloon? Koi mainu dass sakda hai? Am I right in comparing happiness with a balloon? एक गुब्बारा जड़ा उड़ता है हवा दे विच, गैसी गुब्बारा. Am I right in comparing happiness with a balloon? कोई like, would anybody try? मैम जिमें आप बैलून दे विच एयर पनलब दिन्ने आता हूँ वड्डा हुंदा रहिंदा है, उसी तरीके नाल आप जिन्नी इनपुट देवांगे हैप्पीनेस उन्नी ज्यादा होएगी. Okay, good try, beta. Anybody else? Needle from outside can break it. No, nothing can break your happiness. Okay, we need to hold it with a thread. Anybody else? Ki hai? Happiness is like a balloon. अच्छा मैनू ऐ दसो, जे तुसी सड़क ते जा रहे हो ते किसे बंदे ने बलून्स फड़े हुए ने, तुसी उन्हों देखोगे? Would you always like tend to look towards that person? Who is carrying like 15 to 16 balloons in hand? Would you? Yes, ma'am. Definitely, akhaan mur jandiyan ne. Like, for example, aapa India di gal kare, kise ne chuda paya hove. Chude wali kudi. Everybody tries to look at her, even the girls, even the boys. So what is that sign, symbol? That balloons is what?
That is something that when I am happy, when there is something as a party, when there is something as a blessing, I always tend to buy the things. So what it means? It means that whenever you are elevated, it is like a balloon. It means what? When you are happy, the people around would be happy too. So what it means? It means that it is हमारी सोच. अगर हम उसको पॉजिटिविटी से भरते जाएंगे तो हम एलिवेट होते रहेंगे. वी वॉन्ट बी बॉदर्ड व्हाट अदर्स आर सेइंग एंड अदर्स आर डूइंग. रेदर वी आर जस्ट डूइंग फॉर आवर ओन सेल्फ एंड इट स्प्रेड्स. एग्जैक्टली गगन, इट स्प्रेड्स. इट इज अ मेटाफोर. इट इज अ मेटाफोर. व्हाई? बिकॉज इट डजंट ओनली चेंजेस मी, इट चेंजेस द पीपल अराउंड मी. It is not just changing me. The happiness is not just changing me. It would rather be changing. It would be rather changing the people around me. So what we have to check is we have to actually know that happiness is actually reliable. It is reliable. How? अभी तुमने एक छोटा सा experiment किया है. तुम खुश हो के मम्मा पापा बहन भाई किसके पास गए थे thank you कहने के लिए. तो आगे से negativity मिली क्या positivity? Was it a smile? So what happened? It was reciprocated with a smile. It was reciprocated with an objectivity. Yes, positive leads to positive. Positivity leads to collectivism. It leads to the next level of awareness. So like again, but hum apni khushi ke liye, hum apni happiness ke liye, we are actually using numerous of the pins. Jitna ek bachche ne kya hai ki pin maroge te ki ho juga, gubara phat juga. बट जे पिन मारी है तो मैनू पता लग गया तो उत्ते पैच भी ला सकते हैं ना आप लगा सकते हैं ना नहीं लगा सकते आई नो दीज आर द पीपल हु आर गोना पिन इट अप सो क्विकली आई वुड बी पैचिंग इट आई नो दीज आर द सिचुएशन दैट कैन लीड टू अ लीक इन माय बलून व्हाट वुड आई डू आई वुड ट्राई नॉट टू गो देयर सो व्हाट आई कैन डू आई कैन एनविजन एंड क्रिएट माय ओन फ्यूचर लाइक अ बलून लाइक आई नो वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो what to do, how to do, when to do. So what I can do, it is just the state of a mind. My state of mind is checking all the possibilities, all the situations that would lead to what my dream is. I can envision it and create it. Like for example, it was an envision of like our freedom strugglers to see ourselves into a free nation. So now, it was an envision of numerous of the farmers who are protesting at present to see that like something as an independent process for them. And we know that they are working hard to create their future. Yes or no? What exactly is the story of Punjab and farmers and everybody? It is not just for the Punjab and farmers, even for the consumers. What has happened? It is just two views to the same thing. But once a view is not accepted, we are standing against it and trying to create our own future. So this is what I would really say. I should say what defines us is not the money, status, relationship. Rather, it is happiness. It is happiness, how happy we are. What defines is not like how much money we have, what level of work we have done. Rather, it is the happiness that tells us how the people are going to respond, react and behave. Is the person trustworthy or the person is not trustworthy? Is the person going to help you out with the situations? Help you out like for example, you are stuck in a problem. You are stuck in a problem. Would you like go to anybody around you, or would you go to only the trustworthy person? And who is the trustworthy person? The trustworthy person is with whom you would always find yourself happy and safe. So this is what is exactly is like what we define, how we define. We should not define ourselves like, oh my goodness, I have this much of the bank balance and this is like my father's work and here I have reached. So this is a composition. The composition says the 50% of the happiness is from my genes. From my genes. Am I a happy family or I'm not a happy family? 40%, oh my goodness, it has moved ahead. 40% depends upon the state of mind. And it is only 10% that depends upon the circumstances. Imagine it is just 10% and 90% is how we react to the situation. 10% is the situation and 90% is how we react to the situation. That means what?
happiness or unhappiness depends upon our own self. How we have to, how we can control it. Can we control it or we cannot control it? Definitely we can control every situations of our life. How we deal up is the most important. Like for example, in the current pandemic, the next video might be that doesn't work as well. So that was also a wonderful video, how it is like the companies, the organizations have started using this pandemic aspect for creating their new like strategies for increasing that demand for the product. So we know how the Lifebuoy came up. Lifebuoy never said just use my product, it said use any product. But what it gave them a limelight, and there were numerous people who started buying and using the same product. So what exactly is it like? I wish I can show you this video, but somehow cannot. So this platform is not allowing me. So what has happened? It is the same situation, but there are numerous companies that have failed. Might be just because they are not able to do the responsible things at the current moment. And there are numerous companies that have actually talked of it in a wonderful manner and have moved on or progressed in this current pandemic phase. So this is one of the YouTube link that is about the Happiness Secret. It is a TED Talks. So what it helps you out, it helps you with the numerous aspect, it helps you with easy recovery, it helps you with the brightness, it helps you to have peace, not with the surrounding, rather with your own self. So do listen to this TED Talk. This TED Talk is by Sean Anker. He has wonderfully talked of like blessings of happiness, the happiness advantage, why we should fuel up, and why now it is like, if I talk about the Delhi government schools all have started with this happiness course, and slowly and gradually it has become a talk of everyday scenarios. Even Apple has launched a Happitude as a app. Like there are numerous other apps at happiness measuring. The culture of every company is talking of not just the competition, rather the happiness. And the secret of happiness is when you count your gratitude, you are blessed enough and you are not poisoning other people around you. And if you are not poisoning, what is happening? It is creating a culture of positivity. And this positive culture is leading the organizations to grow ahead. So this is what exactly is a talk of the day nowadays, to create and or embed a attitude of happy life in everybody. Because why? Because it is like just 10% of the situation and 90% of it. So this is what is my happiness, and there are numerous of the things that can blow away my air out of it, but what I have to do, I have to patch it. So let me tell you what are the major aspects that blow my air away. The major aspects that blow my air away is when I devaluate happiness. I feel I would be happy only if I become first in my class. I would be happy only once my assignment is done. I would be happy only if I have an iPhone. What I'm doing? I'm devaluating happiness. Happiness is not a mohtaj niya kisi cheez di. It is never a mohtaj of anything, any person or any situation. Rather, it is a feeling that is inculcating by understanding what exactly is the situation. Next is a deadly sin of happiness is when I distrust others. When I am not having a trust on others, and I really feel that the people are the cheaters. They are the cheaters. Unhe dhokha hi dena hai. Like you are sitting onto the same bench eating food together, but you do not trust others. Whenever a situation comes, and you would always come up and say, I will do it myself, not with that person. Why? Because you do not trust others. Might be that is a hard lesson learned. That is a hard lesson learned. But rather, one should actually would never feel ashamed for not trusting people ahead. And it is always deadly sin kya hai? Hamesha kehna, I am always needy. Mere kol paisa nahi hai. Mainu number nahi milde. Mere naal koi gal nahi karda. I have nobody. Whenever you see, this is what like Om Shanti Om mein bhi kaha gaya tha na. There was a dialogue. Jisko tum shiddat se chaho, wo tumhe milta hai. That means what? When you are talking of the same aspect every day, that mere kol ae nahi hai ga, mere kol ae nahi hai ga, mere kol ae nahi hai ga. You are telling to the world that you are always needy. Tumhe sirf cheeje chahiye, tumhe khushi chahiye nahi. Cheeje shayad mil jaye, khushi nahi milegi. But once you would always say, thank you God, gratitude full, I have this thing. I have my hands, I have my eyes, I have my ears to work, progress and grow. What would happen?
you would remain happy also, and you would have the opportunities to go ahead also. Next is like when you are trying to overrule or control others. When you are trying to control others, like control the people, that you cannot do this thing, or you are not supposed to do this thing, and you want to be at the top position always. You are chasing superiority. I am the best. I want to be onto the top position always. This is what are like some of the aspects that are that would lead. Sometimes when we replace happy word with satisfied, like instead of saying I would be happy, I will do this work first. You should, I'm happy, but I'm satisfied with that. Exactly. What exactly, Gagan, I would really say, what exactly is happiness? Happiness is a sum total of peace and satisfaction. What is satisfaction is that results in that I have done my task. I have done my task, and whatever the situations would be, I am gratitude filled. So what it is, I am not distrusting life with it. So the next topic is talking of the same things, that I have to be satisfied in all the conditions, how to deal up with the things, how to speak up. So this is what exactly are the deadly sins. The deadly sins are like, for example, if like a very common scenario for all the non-vegetarians, to see party de gayo, ek pass se dal makhni hai te dooje pass se some like kebabs pade hain, non-vegetarian kebabs. Dal tuhanu bahut pasand hai, tusi dal khaoge ke kebab hi khaoge? What would you do? Like all the non-vegetarians, you have gone to a party and there are like non-vegetarian kebabs, and you have to choose between kebabs and dal, but you love the dal more. Kebab. What would you do? You would have dal. Okay, perfect. Anybody else? Can I hear from more? ये आजकल का सिनेरियो है. कबाब. Yes, Danish. What you are trying to say? कबाब. कबाब. Okay. कबाब. I'm a vegetarian. Oh, no worries. So similarly with the vegetarians as well. आज मैं कह दूँ कि एक बार से बाजी है कि ने like pizza आते दूसरे पास से छोले दी सब्जी सीगी. ते तुसी छोले ज़्यादा पसंद कर दो. Cheapics. So what would you have? Something that is common, would you have it or would you not have it? So maximum people, they try to choose the product that is more costly, chahe wo unhe pasand ho ya na pasand ho. They would try to choose that aspect that is more costly. Like for example, I take it another example. There is a scheme of buy one get one free. ठीक है, तुसी 1000 रुपए की पेंट लेती है तो 1000 रुपए की ही पेंट तुहानू फ्री मिल सकती है, पर तुहानू दूजी पेंट जिहड़ी पसंद है वो सिर्फ 500 की है. दैट इज ओनली ऑफ वन लाइक वन बाय वन गेट वन फ्री. सो वन वन पेंट दैट यू हैव परचेस्ड इज ऑफ 1000 रुपीज, अदर यू कैन बाय इट ऑफ 1000 रुपीज, पर तुहानू सिर्फ 500 वाली पसंद है. तुसी 500 रुपए छड़ दोगे कि कोई होर पेंट लभोगे जिहड़ी 1000 की होगी? वट वुड यू डू? A very common scenario when you purchase the things, और इसके ऊपर like हमारी companies हमसे बहुत पैसे ले लेती हैं, buy one and get one, get 50% off, get 50% on to the second purchase. So what would you do? What would you do? So I really believe the maximum people would rather go ahead with buying the product that is of the equivalent cost, because when you are getting something of 1000 rupees and the other thing is like just of 500 rupees, because it is cheaper, jo pasand hogi wahi lenge. Okay, I will not go with buy one get one free, but the maximum people, like if I talk about the scenarios of the life, we always choose money over the happiness things. So this is what is devaluating happiness. We are not choosing chickpeas, rather we are choosing this that is much more costly. So this is what exactly is the happiness paradox. We have to do it. So we have already talked of numerous of the sins that we have talked of, that is like devaluating happiness, to distrusting others. So now what we have to do, we have to patch up. And how we can patch up? We can patch up, like happiness is all about being stupid, being selfish. Yes, selfish. It is about good health. What is stupid? Stupid means try all the aspects that you have never done before.
would you remember the things that you have done in a positive manner attending the class, or sometimes it is like helping somebody out even if the teacher was like scolding you up? So all those stupidities is actually adding to your happiness content, your satisfaction content. And then when you are being selfish means when you are focused for your own aspect, for your own growth, what you are trying to do, you are just talking of your own aspects. You are talking of your own aspects to move to the next level. And sometimes that is also happiness. This is especially for all those people who are much more focused towards others. Unne ki kya, unne ki sochya, o ki kahuga. So what happens? I'm not living my life, rather I'm living a life of somebody else. So what I have to do, I don't have to live others' life, rather I have to be selfish in living my own self. Mainu pasand hai, main paya hai. Mainu pasand hai, main khana hai. Mainu pasand hai, main karunga. So what would happen? That is becoming selfish. But that doesn't mean that break the rules and go in a very awkward or a bad things. Rather it is when it is, you know what is right and true, you have to go abundance. So what exactly is happiness? Is all about abundance. What you feel regarding the aspects. So this is what is abundance means, that if I feel bota ko bota hoy, that means what? That says one from our Gurbani. It says when you feel that yes, you are blessed, you would definitely be blessed. So I would really come up with this thing, like jitne bhi hamare guru mahatma hue hain, they are always with this hand, they are always with this blessing hand ahead. Why itna kyun hunde ne misha? Like if I talk about Saraswati Mata, like Guru Nanak Dev Ji, Jesus Christ, I talk about anybody, why they are always in this pose of blessing? Why? What is the reason? Anybody aware? Why this is always a sign? Why it is always a plain palm here? The plain palm here means whatever you are gonna say, you are gonna get the same. It has a reflection back. Whatever you would say positive, you would get the positive back. You would say negative, you would get the more negative back. It is a reflection of the things. It is a reflection. They says, jo tumhare muh se niklega, what jo mange thakar apne se, ohi ohi hoye. What exactly is it? Jo bhi tum, whatever you are uttering from your mouth, that is gonna happen the same manner. That means what? You are talking of positivities, the positivities are gonna come up. You are talking of negativities, the negativities are gonna come up. So what we have to do? We have to always have a positive attitude, and not just helping our own self, rather helping the society ahead. So what would happen? It is just gonna create a beautiful yeah, exactly, Kamal. Sohi Deve. So this is the real correlation why we want as our students to be happy, because positive brains always lead to much more success. It is much more successful. It is an integrated approach. So with this note, that's end with my lecture, but I would like to share a link. I would be sharing a link with Rupinder ma'am with you, so that you can share the same with the students and they can fill the same. So that's okay, ma'am. Okay, ma'am. Yeah, that will be helpful. Like I will be sharing on to WhatsApp, so the things can be done in this manner. Okay, that's it. I hope now the youth of our country, the youth, the people who are listening at present, would definitely have a positive brains for the success and happiness around. That's it. Thank you. Thank you, ma'am. अच्छा, कोई क्वेरी किसी दी, किसी ने कुछ डिस्कस करना हो, कुछ पूछना हो, मैम हूं अपने नाल हैगी है, फिर देन मैम विल लीव. कमल, यू हैव रिटन इट वंडरफुली वेल. Okay, I believe the things are clear. Anybody who would like to talk on to any aspect, they can. Otherwise, I would leave the things. Yeah. Thank you very much. Thank you. I
I think Pretty ma'am has left. Yeah, I think ma'am has already left. मैं ma'am नो thank you नहीं बोल पाई. It's okay. ठीक है बच्चे, अपना program complete हो चुके हैं. 3 days का अपना development program सी. ता थोड़ा जा बस थोड़ा सी ज्यादा टाइम नहीं लवांगे, 2 मिनट ले, बिकॉज आई नो कि अपना 4:30 तक का टाइम है, ओवर हो चुके हैं, सारे टाइम देख के बैठे होंगे हैं. तो अपने नाल साडे डायरेक्टर कमेटी दे डॉक्टर हरजीत सिंह धालीवाल इज द डायरेक्टर कमेटी, एंड इस तो पहला ही वॉज एडिशनल डायरेक्टर एक्सटेंशन इन PAU. तो सर सिर्फ 2 मिनट थोड़े नाल फीडबैक ले जुड़े है, क्योंकि कमेटी का प्रोग्राम है, तो थोड़ा जाके किदा का थोड़ा एक्सपीरियंस रहा. तो वेलकम सर. First of all, I am thankful to Dr. Kumman and his team for giving us the opportunity to arrange this type of program pertaining to soft skills, especially personality. So I think the program might have served the purpose of our students. Now we will take the feedback from the students, as it was our first program. We are to arrange many programs in series. So this is the first program with the title Personality. Now I would like to have the feedback of the students about this program. कोई भी बच्चे volunteer कोई अपनी feedback देना चाह रहा होए, किसी ने लग्या होए, क्योंकि maybe हो सकता है कुछ और programs भी तो देना गढ़वासुना coordinate करिए, कुछ साडे वालों improvement, कोई तो अपने feedback, anything good, anything bad, you can discuss. Otherwise we'll wind up us 5 minutes. Otherwise, I will put one question. If there is no feedback, hello. Some students are typing in chat box. Thank you so much for sharing ideas. It was really helpful. It was a nice experience. One was saying Sarabjit sir was the best. I'll forward your message to Sarabjit sir. Literally served its purpose best. We would love to join such webinars. Thank you so much, bache, for your feedback. तुसे अपना माइक म्यूट करके किसी ने कुछ शेयर करना हो तो कर सकते हो. सर तुसी क्वेश्चन पूछ लो. आई थिंक बच्चे तो चैट बॉक्स टाइप कर रहे हैं. No, I think it was a 3-day duration program, and they might study what is personality, what are the traits of the personality. So if anybody asks that, how will you judge a person? What is the first and foremost criteria to judge a person? First of all, sir, appearance, how to behave with others. Good. Sir, I think it is the body language. Yeah. Any other trait? The way of social interaction of that person with everyone. The first and foremost criteria is the personality, which you have studied for the 3 days. So I will give you just one example. We have a very old person in our family, my Tayaji. He is very old. He was born on 1st July 1924. He studied in Urdu medium. And whenever he talks, he says that when you are to judge a person, you are to see 3 things. What are those 3 things? Dastar, raftar, and guftar.
All these are Urdu language words. Dastar refers to a dress. What type of clothes, what type of dress the one is wearing. And the second thing is the raftar, chal. How one walks, how one moves in the group, in the society, in the class, or in the office. And the third thing is the guftar. That pertains to, in Punjabi, galbaat, or it pertains to communication skills. So he always says that the person is judged from these three things, that is dastar, raftar, and guftar. So these are the traits of the personality from which we can very easily judge that what type of person one is. So this is just an example which I used to listen from my Tayaji. Still, there are so many other traits you might have studied during this 3 days program. And even some of you have quoted those traits. That's really good. It means you have learned something from this program. It is really very interesting. It will not only serve in your professional life. It will not only serve for your professional excellence. It will also serve you in your personal life, in your family life, in your life. So whatever you learn by learning these soft skills like personality, definitely they will be very useful to you, not only in office, not only at your workplace, not only at your home, even in the society as a whole. So thank you very much for attending this program, for listening the resource persons very patiently. I'm also thankful to Madam Rupinder Sandhu. She has very well organized this program. This pertains to her discipline, this program. So I am thankful to her. Thank you, sir. Thank you so much. And thank you to whole Gadwasu team. Dr. Poonam is with us today. So ma'am, please. I'm here. Ma'am, if you permit. Dear students. Program is over. And okay, ma'am. So I am behalf of IDP team, from behalf of Dean Sir, Dr. Sarapreet Singh Kumman, Dr. Nitin Mehta, and from all the IDP members, I really congratulate all students, as well as I really appreciate committee for organizing such a wonderful webinar training, which was on personality development. I think apart from the academic curriculum, the students are learning each and every day. I know we have organized around 80 to 90 webinars in the lockdown period, and those were majorly on the technical side. So students are definitely looking forward for such kind of webinars on personality development, how to stay happy. So thank Pameti for organizing and being actively there in the webinar, this training. So I really look forward, committee should organize these kind of trainings in future also. Thank you so much. Thank you, ma'am. In fact, I would congratulate the Gadwasu team for having such a wonderful group of students. Bahut interactive si, ma'am, sir. Bahut achhi ma'am, it was not possible without the participation of committee. But chalo, ma'am, and I forgot, so I forgot Dr. Taliwal, sorry, I forgot to, I mean, wish my regards to Dr. Taliwal, sorry for that. Welcome. Okay, thank you, ma'am, thank you so much, okay. And thank you, students. Okay. It was a lovely time with all of you, and this gave such a wonderful experience to us too. Thank you so much, thank you, hope to see you all soon in the future. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, ma'am.